ए, क्या देख रहे हो? कंप्लेंट देना है। अंदर जाओ। कंप्लेंट क्या है? सर वो मिसिंग केस है। आगे से लेफ्ट लेकर राइट जाना, साहब से बाद में मिल लेना। जाओ। सर कंप्लेंट देनी है सर। उधर जाओ। ठीक है सर। हाँ उधर। बताइए क्या बात है? एक कंप्लेंट देनी है सर। कंप्लेंट क्या है? मिसिंग केस है सर। ठीक है साहब अंदर है। ओके ओके सर। ए धीरे से मारो उसे, दिखता नहीं फोन पे बात कर रहा हूँ। पहले आप फैन भेजिए ना यहाँ पर, मैं डीसीएम को भेजता हूँ, सारा सामान भिजवा देना, पैसे कल भिजवा दूंगा मैं। नमस्ते सर। डीजल भरवा लेना तुम। थैंक यू। ठीक है भिजवा दो पहले, फैन फिट तो करवा लूँ। हाँ ठीक है। नया पुलिस स्टेशन है ना, शिफ्टिंग चल रही है इसीलिए थोड़ा बिजी हूँ। मैटर क्या है? मेरी वाइफ मिसिंग है सर। नाम क्या है? मेरा नाम सर? नहीं बीवी का नाम। काव्या है सर। क्या करते हो? मैं इंजीनियर हूँ सर, इंटीरियर डिजाइनिंग करता रहता हूँ सर। इंटीरियर डिजाइनिंग? हाँ। वो कबर्ड लगाना, झूमर वगैरह? सर। आड़े टेढ़े ड्राइंग्स बनाकर? नहीं सर। घर को गंदा करना, बेमतलब घर को खराब नहीं, करना? नहीं सर। यही काम करते हो सर? शादी को कितने साल हुए? 4 साल हुए सर। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज सर। समझ गया, मेरा भी लव मैरिज हुआ था। आपका भी? लव करने से पहले इंटीरियर डिजाइनिंग का कमाल तो दिखाया होगा तुमने। क्या सर, इसीलिए पटी होगी सर। ठीक है झगड़ा क्या है? छोटा सा झगड़ा सर। झगड़ा बड़ा छोटा मायने नहीं रखता। ये जो बीवियां होती है ना, इनको सुई दोगे तो ये पहाड़ खोद कर सुरंग बना देती है। मेरी बीवी है ना? मुझे क्या पता सर। हाँ हाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ तो पूछताछ की होगी। किया है सर, सभी जगह ढूंढा है सर। हाँ किया ही होगा, तभी तो यहाँ पर आए हो। जी हाँ। ठीक है, बाहर हमारा राइटर बैठा है, जाकर कंप्लेंट लिखवा दो। अरे इधर देखो भाई, सारी डिटेल्स देकर जाना, तुम्हारे केस को पर्सनली हैंडल करूंगा। ठीक है सर। इंक्वायरी शुरू करता हूँ, बीवी की फोटो वगैरह देकर जाना। ओके सर। हाँ ठीक है जाकर लिखवा दो कंप्लेंट। ओके ओके। और वैसे मैं एक नया घर बनवा रहा हूँ। हाँ। कभी देखने आओगे ना? हाँ। वैसे कितने पैसे लोगे? पैसे नहीं चाहिए सर। ठीक है मैं दूंगा भी नहीं, मुझे तो बस ये सुनना था, मैं किसी को पैसे नहीं देता। ठीक है अब जाओ। ओके सर। हाँ बेबी। सर क्या हुआ? साहब ने कंप्लेंट लेने के लिए कहा। सारे डिटेल्स ले लो। हाँ सर बैठो। बोलो नाम बताओ। वर्मा सर, वी वर्मा। पत्नी का नाम? काव्या। उम्र कितनी है? 28 साल। कब से मिसिंग है? दोपहर से दिखाई नहीं दे रही है सर। पक्का ना? यस सर। आपका एड्रेस प्रूफ दिखाइए। इसे यहीं रख लेता हूँ। ठीक है सर। मोबाइल नंबर बताइए। 9440782101। कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं फोन करूंगा, अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ये आप तो बहुत कमाल किया। ए, कंप्लेंट दिया ना? हाँ, दे दिया। ठीक है जा, संभल के जाना। मुझे वहां भेजकर यहाँ क्या कर रहे हो यार? मैंने ऑलरेडी स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है। हाँ तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे घर जाकर आता हूँ, घर में मोटी है ना, हाजिरी लगा कर आता हूँ। ठीक, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, भाभी मिल जाएगी। मैं एक बार बस स्टैंड पे ढूंढ कर आता हूँ यार। हाँ ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ मिलते मिलते, चलता हूँ। सोचोगे तो कब सुधरोगे भाई तुम? है दूसरे को टक्कर देना है तो ऐसे बोलने से काम नहीं चलता है, समझे? वैसे तो ये बात नहीं, पंचायत के लोगों ने बोला था। देखो पहले चाकू बंद कर, बाद में मैं उस पंचायत। अरे कालू मैं नहा धोकर रेडी रहूंगा, तू आधे घंटे में आ जाना।
हाँ ठीक है, आजा आजा। वर्मा की वाइफ मिली क्या? पता नहीं, सब जगह ढूंढा, उनके रिलेटिव्स के घर में, बस स्टॉप में, रेलवे स्टेशन पर, सब जगह ढूंढा हमने, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बेचारी। मुझे भी इसी बात का टेंशन है। झगड़े का कारण पता चला? अभी नहीं। और वैसे भी बड़ा कारण क्या होगा बेवजह झगड़े के अलावा? छोटी सी बात को लेकर च्युइंगम की तरह खींचते हुए चले जाते हैं। वैसे भी मैं समझाते रहता हूँ, पत्नी से प्यार करना एक आर्ट है, मुझे देखकर तो सीख लो यार। चाहिए ना। अरे भैंस, ये क्या कर रही हो? मोटी गले पड़ गई है, सुपर मॉडल की तरह क्या हिला हिला कर चल रही है? डार्लिंग, मुझे फिर से बाहर जाना है, कहाँ कर आता हूँ? कॉफी पीकर जाना। ए, बेडरूम में लेकर आना, पीकर बताऊंगा। जरा मुड़ कर देखा। सुनिए जी, कॉफी। ए, ऐसे ही आऊं क्या? बाहर रख दो ना। बाप रे, कुत्ते मेरे घर में खाकर दूसरे के घर में सोता है। अभी दिखाती हूँ तुझे। खाना खा रहे हो या नहीं? अरे वर्मा वहाँ पर अकेला है ना, तो ये पहले बताना चाहिए था ना, पका हुआ खाना किस कुत्ते को खिलाऊं? मुझे वहाँ जाने का कोई शौक है क्या डार्लिंग? तुम्हें छोड़कर जाने का मुझे मन नहीं है, पता ना? कमीने, चल बेडरूम में चल। क्या अभी? मोटी को इतनी जल्दी मुड़ा गया? अर्जेंट है? अच्छा नहीं लगेगा ना, लेकिन ऊपर काम वाली भी है ना। कोई बात नहीं, चलो। जब तुमने डिसाइड ही कर लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लक्ष्मी, तुम वो दरवाजा बंद करके बाहर चले जाओ, हाँ? हम अंदर जाकर आते हैं। लेकिन टाइम जरा कम है, बेचारा वहाँ अकेला होगा ना। कोई बात नहीं, सिर्फ 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट? ठीक है, काम कैसे करूं, पहले ही काम करके थक गया हूँ। चलो अब दिखाती हूँ मैं। अरे पति को पत्नी का मारना कोई नया नहीं है, पता है, लेकिन मारने से पहले कम से कम बचा तो बताओ। चल जाना कुत्ते। अरे कालू, मैं आ रहा हूँ। ये साबुन से सिर्फ कपड़े ही नहीं, मेरी भी धुलाई कर देती है, किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं नहीं। ए, औकात में रहो, मेरा दिमाग खराब होगा तो अच्छा नहीं होगा। अच्छे अच्छों को सबक सिखाया है मैंने। वहीं रुको, आ रही हूँ। ए कालू, कैसे हो? बाप रे, उसकी औरत क्या धुलाई करती है। आ, बहुत मारा यार। ए, ऐसे ही कहां से चला रहा है? हाँ? लगता है बारिश होने वाली है, कार लेके आ। कार? चाबी तो? जाने दे यार, बाइक पर चलते हैं। समझ गया, चल आ जा तू, चल। ए, दरवाजा बंद कर लेना, नहीं तो जानते हो ना? पत्नी को कंट्रोल में रखना एक कला है, और मैं उसमें माहिर हूँ, पता है ना तुझे? अच्छा, बस कर यार, कितना झूठ बोलता है। अंदर जो भी हुआ ना, उसे अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, चल बैठ जा। अच्छा देख लिया क्या? फिर भी यार, वो तुझे बिना साबुन के धोई जा रही थी, तेरी वाइफ है क्या? बताता हूँ, आगे चलो। हाँ हेलो। अरे वर्मा, हम ट्रैफिक में हैं यार, 2 मिनट में आ जाएंगे, साथ में कालू को भी लेकर आ रहा हूँ। अरे वो सब मैं बाद में बताता हूँ, तुम टेंशन मत लो, हम आ रहे हैं। ए वर्मा, हाँ? बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में है यार, वैसे वो उसकी पत्नी के गम में डूबा हुआ है। बियर मिला तो भी काफी है, मुझे उसके गम से क्या लेना देना। ए, चल जल्दी चल। लेकिन यार एक डाउट है, काव्या आखिर चली क्यों गई? चल वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले चल। यार सॉरी यार, पूरी रात गली गली में छान मार कर सुबह तक भाभी को ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। फ्रिज में बियर है क्या? हाँ वो तो जरूर होगा। ए? वो क्या कर रहा है? अरे घबराओ मत, हमारी हेल्प के लिए लेकर आया हूँ, तुम टेंशन मत लो। हाँ ए, तुम दोनों ही मेरे लिए इरिटेशन हो यार। कालू, तूने अभी से शुरू कर दिया? वैसे तुम बस स्टॉप जाने वाले थे, गए थे क्या? हाँ गया था। ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जाकर आता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं भी चलता हूँ। अरे तुम लोग मत आओ यार। अरे बस करो, जीजा जी पहले ही टेंशन में है, परेशान मत करो। इसको तो खाली ठूसना ही आता है। फ्रिज में ठंडी बियर पड़ी है, जाकर ले आओ। देखो इसको, इज्जत की धज्जियां उड़ रहा है। ब्रो, हाँ, जस्ट अ मिनट, इज देयर एनी स्टाफ? हाँ, इसे पूछ। ऐसा क्या,
ओके अबे जाके ऑमलेट बना के लाना। ऑमलेट चाहिए तेरे को? मारूंगा। पिएगा क्या? ओ, अरे हाँ पिएगा। याद है तुम्हें क्या हुआ था? उस भगवान ने दो अच्छे इंसानों से मेरा परिचय करवाया। एक था मेरा बेस्ट फ्रेंड और दूसरी मुझसे बहुत प्यार करने वाली मेरी पत्नी। हाँ? ये नई कार यहाँ कैसे? तुम्हें तो ड्राइविंग भी नहीं आती और तुम यहाँ पर कैसे ले आई? वैसे मुझे कार की क्या जरूरत है? अरे हे, ये क्या है यार? तुम्हें सरप्राइज देने के लिए इसी ने प्लान किया था यार। मुझे कार गले लगे यार। चलो केक काटो। अरे देख क्या रहे हो, केक काटो। बड़ा मजा आया था उस रात, लेकिन आज कितना ही मजा आया। तुम्हारी सरप्राइज की तो दाद देनी पड़ेगी, तू भी ले। और कितनी देर हम ऐसे बैठे रहेंगे यार? आ जाएगी यार, पता नहीं कब आएगी। हाय 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 हाय, सब ठीक है ना? हाय, ये कितनी ब्यूटीफुल है यार, मुझे तो पसंद आ गई। हाँ तो आगे क्या? तुम भी क्या यार, शर्मा क्यों रहे हो? बात करो हमसे। एंड शी इज काव्या। मुझे पता है भाई, माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ तो आपके बारे में कुछ बताइए। आपका फ्रेंड हमेशा आप ही की बातें करता है, वो इतनी खूबसूरत है और वगैरह वगैरह। इस दुनिया में तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है यार। अरे इसीलिए मैं तेरे साथ शराब नहीं पीता, पीते ही इमोशनल बन जाता है तू। इमोशनल नहीं यार, तुम मेरे पास होते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अकेला हूँ, ये फीलिंग मुझे कभी नहीं होती और होगी भी नहीं, क्योंकि तेरी लाइफ में जल्द ही कोई आने वाला है। कोई आने वाला है? वो भी अनाथ का साथ देने के लिए। तेरे जैसा अच्छा दिल होना चाहिए यार, और इतना अच्छा दिल अब किसके पास है यार। अरे मुझसे भी अच्छी दिल वाली, हमारी जान पहचान वाली एक लड़की तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। मेरी पहचान की? कौन है यार? हमारी काव्या। काव्या? हाँ यार, काव्या तुमसे प्यार करती है, शादी करना चाहती है। आज से तेरी लाइफ बदल जाएगी। अरे कैसी बातें कर रहा है यार। अच्छा सुन, कल मिलने का वादा करके आया हूँ। अरे ये सब क्या है यार? अब कुछ मत बोल, कल हम मिलने जा रहे हैं, बस। मेरी बात तो सुन। बस। और उस दिन काव्या को मेरी जिंदगी में आते देखकर मैं बहुत खुश था। और कितनी देर टाइम हो रहा है, भूख लग रही है, यहाँ पर आने के लिए कितनी जल्दी की, और कितना वेट करूँ? आने वाला ऐसा कहा था, अब तक रास्ते में होगा। दोनों ही देखो आ गया। हाय। क्या यार ऐसे कितनी देर बैठोगे, एक दूसरे से बात नहीं करोगे? काव्या ये वैसे भी बात नहीं करेगा, तुम तो बात कर लो। अरे कुछ तो बोलो। अरे बाप रे, आपकी ये खामोशी मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। अरे बात करो ना यार। काव्या, वीरू ने सब बता दिया है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है सिर्फ इसके अलावा। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसका कारण सिर्फ यही है। मैं हमेशा भगवान से एक ही चीज़ मांगता हूँ, ये हमेशा मेरे साथ ही रहे, वीरू नहीं तो वर्मा भी नहीं। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना, तुम्हें मैं पसंद हूँ तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। I love you.
माँ बाप के बारे में मुझे कुछ नहीं पता यार। अरे क्या यार, लेकिन ऐसे लगता है कि वो तेरे जैसे होंगे। कहा था ना ये इमोशनल हो जाएगा। देखो तुम जितना प्यार करते हो मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन काव्या के लिए तुम उसकी जान हो। देखो उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है। प्यार तो बहुत है। अब तो हंस देना यार, इमोशनल फेलो है ये। काव्या वर्मा वहां बैठा हुआ है, तुम उसके साथ जाना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। उसे ज्यादा इरिटेट मत करना। हाँ नहीं करूंगी। हे कैसा है भाई? हे हाय। अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? बोलिए ना। ऑफिस है यार। हेलो। अरे काव्या को जरा घुमाने ले जाओ यार। मैं देखो मैं कह रहा हूँ ना, ले जाओ तो ले जाओ। अरे चलो यार सुनना। जी बात कर रहे हैं क्या? जी सर। मैं हवलदार बोल रहा हूँ। हाँ सर। आपने अपनी पत्नी का मिसिंग कंप्लेंट किया है ना? हाँ सर। हमें एक डेड बॉडी मिली है सर। डेड बॉडी? आप जल्दी से जल्दी सरकारी हॉस्पिटल आ जाइए। सरकारी हॉस्पिटल? जितनी जल्दी हो सके आइए। हाँ ठीक है सर। लेट मत कीजिएगा, जल्दी आ जाइए। मैं अभी आ रहा हूँ सर। आ रहा हूँ बस पहुँचा। सर जो लाश मिली है उसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं, देखकर बताओ कि क्या तुम्हारी बीवी है। आई आप भी बॉडी देखने आए क्या? ये देखिए। छे बाप रे। अरे जल्दी से देखो ना, काफी देर से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। क्या हुआ? नहीं सर। पक्का? नहीं। ठीक है सर, वो नहीं है सर। हाँ समझ गया सर, आपको ही कुछ करना होगा। करूंगा। वैसे वर्मा जी आप वो सड़क की साइड वाली कॉलोनी की तरफ जा रहे हैं ना? हाँ घर जा रहा हूँ सर। मुझे भी वहीं जाना है। वैसे अभी जा रहे हो ना? हाँ। ठीक है, मुझे भी जरा वहीं ड्रॉप कर दोगे? हाँ क्यों नहीं सर। हमारी गाड़ियाँ पेट्रोलिंग के लिए गई है। हाँ। इसीलिए तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं सर। ठीक से ढूंढा था ना? मैंने हर जगह ढूंढा है सर, सबसे इंक्वायरी भी की, बहुत टेंशन है, पता नहीं क्या करूं। तुम्हारे पीछे जो गली है उसी में रहते हैं हम लोग। हाँ क्या सर? हाँ, ये थोड़ा सा आगे वो पेट्रोल पंप होगी, वहीं पर उतार देना मुझे। हाँ ठीक है सर। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर कोई प्रॉब्लम। दिक्कत है तो बोलो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये जो रास्ता है ना थोड़ा आगे मेरी बीवी मिलेगी, उसको भी ले चले, चलेगा ना? बस स्टैंड तक ड्रॉप करना है, 11:30 की लास्ट बस है। हाँ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा। बस मेरी बीवी को वहाँ छोड़ना है, त्योहार है ना। हाँ। वो अपने मायके जा रही है तो बस उसको ड्रॉप कर देंगे। अच्छा। फिर वो जाने जैसे जाएगी, तो फिर चलेगा ना? हाँ चलेगा सर। देखो दिक्कत है तो बताओ, कुछ नहीं होगा। हाँ कोई बात नहीं सर। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, चाहे जैसे भी हो ना कल तक मैं सब पता लगा लूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा भाई असल में तुम दोनों के बीच झगड़ा कैसे शुरू हुआ था? हे hey, किसके लिए है ये नया मोबाइल और मेरा एड्रेस क्यों दिया है? मेरे लिए। ये क्या परसों ही तो दिलाया था ना? दिलाया था लेकिन बेकार फोन है, हैंग हो जाता है। अरे हैंग हुआ है तो सर्विस सेंटर में देना चाहिए था ना, इसके लिए नया क्यों मंगा लिया? वैसे मेरे पैसों से खरीदो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अरे ये क्या, तुम तेरा मेरा करके क्यों बात कर रही हो? क्यों, मेरा पैसा तुम्हारा है क्या? तुझे तो तुमसे बात करना ही बेकार है। हाँ तो तुम ऐसा ही समझो। हाँ तो तुम नहीं समझोगी। मुझे ना तुम्हारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर पसंद नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की? मतलब तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? मेरा पीछा करते वक्त तो ये सब नहीं सोचा? मैं पीछा कर रहा था। मैं कर रही थी। तुम्हें नहीं, मेरी नसीब ही खराब थी कि मैंने तुमसे शादी की।
तुम्हें मासूम बताया था ना, ये बात मैं उसी से कहूंगा। उसे बीच में क्यों ला रहे हो? तुमने खुद शादी की है, शादी से पहले कुछ और शादी के बाद कुछ और। बदल गया ये पता चल रहा है? बदलने जैसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बातों से ही सब पता चलता है। तेरा नाटक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नौटंकी कही छी। गुस्से में आकर मैंने फोन भी तोड़ दिया। फोन तोड़ दिया? ऐसे ही गुस्से में तोड़ दिया मैंने। ये तो होना ही था, मर्द गुस्से के अलावा कर भी क्या सकता है। मेरी बीवी भी ऐसी है, शादी से पहले वो नॉर्मल फोन थी, लेकिन जैसे ही शादी हुई ऐसी एंड्रॉइड बन गई जो मेरे टच से चलती ही नहीं। सुबह से शाम, शाम से सुबह टच करते रहता हूँ, कुछ नहीं होता भाई। वैसे बाद में हुआ क्या? बाद में तुरंत ही बेवजह पैसा क्यों खर्च किया, इसलिए गुस्से में तुम्हें ज्यादा ही बोल दिया। इसीलिए मैंने अपनी सैलरी से खरीदा था। ऐसा नहीं है, एक फोन तो है ना, दूसरा क्यों खरीदा? इस फ्रस्ट्रेशन में तुम पर मैंने चिल्लाया। आई एम सॉरी। मेरी तरफ से भी सॉरी। इट्स ओके। बेशर्म की तरह खाओ। थूक कर चाटना शायद इसी को कहते हैं, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, शादी से पहले सोचना चाहिए था ना। खाना मैंने बनाया तो बर्तन तो तुम्हें मांजने होंगे ना, क्लीन कर दो ना प्लीज मेरे जानू। तुमने भी बर्तन धोया? मतलब आपने भी धोया है सर? मैं क्यों धोऊंगा, आई एम अ पुलिस ऑफिसर, ऐसे काम नहीं करता मैं। समझ गया मैं, समझ। अच्छा तुम इतने फ्रस्ट्रेशन में क्यों लग रहे हो? अरे कुछ नहीं सर। हे, हमेशा काम करते हो तुम, सुनो ना। हाँ। बहुत भूख लग रही है मुझे। हाँ? अरे ये क्या भाई वर्मा, इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई? दूसरे दिन सर। अच्छा दूसरे दिन? जी हाँ सर। अच्छा ऐसा हुआ था क्या? कमाल है। आप बीच में मत घुसिए, बात सुनिए, मुझसे नहीं होगा, तुम जाकर बना लो प्लीज। चल जाना। अरे जाओ। शादी से पहले घर में घुसकर तुम मेरे लिए खाना बनाते थे, अब समझ में आया तुम ना शादी के बाद बदल गए हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो जा। गई भैंस पानी में। असली जड़ ये नहीं वो है जिससे मेरी शादी करवाई, फोन उठा ले फिर बताती हूँ। उठा मेरा फोन। हेलो, तूने किस तरह के इंसान से मेरी शादी करवाई है? एक बार भी खाना नहीं बनाता, शादी होने से पहले बहुत पीछे पड़ा था। क्या नहीं, सारी गलती तेरी है। हरक फोन। छे, हर रोज मैं खाना बनाती हूँ तो बराबर खाते हो, एक दिन खाना बनाने के लिए कह दिया तो गुस्सा दिखा रहे हो। वैसे आज अपनी नियत बदलने वाला कल को अपना दिल नहीं बदलेगा, इसकी क्या गारंटी है? दूंगा ना गारंटी, दूंगा मैं, वारंटी भी दूं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं दोगे, तुम्हारी फालतू गारंटी। बिना साउंड के काम करोगी तो अच्छा होगा। बिना साउंड के काम करने के लिए कह रहा है, मेरा पका हुआ खाना मजे से खाएगा और फिर मुझ पर ही चिल्लाएगा, जिस दिन पकाना बंद करूंगी तब पता चलेगा। तुमसे ही कह रहा हूँ, तोड़ फोड़ मत करो। मतलब मैं कुछ भी नहीं करूँ, तुम्हारी गुलाम हूँ क्या? खाना तुम ही बना लो। क्या मुसीबत है, आकर मेरे ही गले पड़ी, बेकार में शादी की तुमसे मैंने। मेरी भी सेम फीलिंग्स है। इस फालतू गाने को भी अभी आना था। जब भूख लगेगी तो खुद पता चलेगा इसे। मैं पैराडाइज से ऑर्डर करूंगी। क्या खाऊं? बिरयानी। हेलो पैराडाइज, बिरयानी चाहिए थोड़ी स्पाइसी। ओके थैंक यू भैया। अब साउंड कम करोगे तो अच्छा होगा। इसे जो करना है करने दो, मैं अपना काम करती हूँ, मैं सॉन्ग सुनती हूँ। बहुत भूख लग रही है, जल्दी आ जाए, खाना तो अच्छा है। घंटी बज रही है, देखो कौन है। अरे तुमसे कह रहा हूं कोई बेल बजा रहा है, देखो पूरे बॉडी में ही चर्बी है। अभी देखता हूं, कंटिन्यू बेल बजाते जा रहा है। हाँ पैराडाइज बिरयानी ऑर्डर किया था सर। पे करना है क्या? नहीं सर पे किया है। हाँ ठीक है जाओ। थैंक यू।
ये हद से ज्यादा काम चोर हो गई। ए, बिरयानी आ गई है, आ जाओ खाते। कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गई ना? नहीं, ठीक है सॉरी, आ जाओ आप जल्दी, आओ खाना खाते। अगर नहीं आओगी तो मैं अकेला ही खा जाऊंगा पूरा, भूखी सो जाना। अरे वाह, एकदम टाइम पर आया हूँ, बड़ी भूख लगी है। अबे प्लेट क्यों छीन लिया? दूसरे का खाना छीन कर खा रहा, शर्म नहीं आती तुझे? थूक कमी। अरे बहुत भूख लग रही है। अबे कैसे भुक्कड़ जैसे खा रहा है बे? वैसे इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहा है यार? पनौती खा। ये अब तक आया क्यों नहीं? मेरी ऑर्डर की हुई बिरयानी बेशर्मों की तरह खा रहे हो। ए, मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम नहीं आई तो मैं क्या करूँ? हाँ खाया है, अब क्या करोगी? बड़ी आई मारूंगी तो थोपड़ा बिगड़ जाएगा। ऊपर रुक जा बिरयानी में। कैसा लगा सर? थोड़ी सी भूख लग रही है। वो वहाँ लेफ्ट साइड में एक होटल है, क्या बोलते हो चलें? हाँ चलते हैं ना, फुल खाना खाएंगे, एक भी पैसा नहीं लगता हम लोगों को, फ्री में, चलो भर के खाते हैं। हाँ खाते हैं। वही तो कह रहा हूँ, पेट भर के खाना है। हाँ चलेगा, ठीक है ना? हाँ चलेगा। मेरी बीवी गाँव जाने की जल्दबाजी में है। अरे सर, और जब जल्दबाजी में होती है ना तो अच्छा खाना नहीं पकाती है वो, समझे? वैसे भी अच्छा नहीं बनाती। अच्छा, पिछले 6 दिन से बाहर ही खा रहा हूँ। वैसे भी पुलिस के लिए सब कुछ फ्री है ना। हाँ। वो किसी लड़की से बात कर रहा होगा क्या? मुस्कुरा तो बहुत रहा है, सुप्रजा होगी क्या? मैं रेडी कर दूंगा जी, आपको इतनी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो अब बस ऐसी आपको शायद वही होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, वो हिसाब किताब की बात नहीं है, हमारे बीच हिसाब की क्या जरूरत है। मुझसे डबल गेम खेल रहा है क्या? कौन थी वो? तुमसे ही पूछ रही हूँ। कस्टमर है वो, आज की डिलीवरी है ना, उसी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ फोन चेक करके देखती हूँ। अरे मेरा फोन देना जरा। मैं कम इन मैडम? यस कम इन। ओके। वाह क्या दिख रहा है यार। लगता है मैडम का मेकअप ज्यादा हो गया है, पता नहीं मैडम ने आज कौन सी ब्रा पहना होगा, पीली या काली। मैडम आपकी फाइल रेडी हो गई है, कोटेशंस ओके है, आप एक बार बस चेक कर लेंगे तो हम इसे फाइनल कर सकते हैं। करूंगी करूंगी। मैंने ऑलरेडी मूर्ति जी को भी स्टील के पास भेज दिया है, और कुछ करेक्शन हो तो बताइए। बताऊंगी ना। और मैं कह रहा था थोड़ा दर्द हो रहा है मैडम। ओ अच्छा। कहीं मैडम नाराज तो नहीं हो गई? वर्मा। हाँ मैडम। कम हियर। आ रहा मैडम। अकेले खड़े रहकर हाँ। दुनिया को देखते रहेंगे तो। ये तो मुझे पोइट्री सुनाने लगी, अब मैं सुनाता हूँ देखो। कितना अच्छा लगता है पता है, उसी अकेलेपन को दुनिया के लोग देखकर कितना हंसते हैं पता है आपको? ऐसा हंसना तो लाजमी है ना। लगता है मैडम पागल हो गई है। प्रोजेक्ट फाइनल हो गया मैडम, कल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रेडी है, आप परमिशन दे तो आई कैन लीव मैडम। हे देखो ऑफिस में कोई भी नहीं है तुम्हारे और मेरे अलावा, मेरी बात समझ में आ रही है ना? मेरी बात मानो, और भी बहुत कुछ बाकी है। मैडम मेरा कोई काम नहीं है मैडम, मुझे घर जाना है, मेरी पत्नी इंतजार कर रही है। ए मैडम, तुम्हें घर में रहने वाली पत्नी की चिंता है, लेकिन सामने मैं हूँ, मेरी कोई चिंता नहीं। मैडम आपका इंटेंशन क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे अंदर का टेंशन आपको नहीं समझ में आ रहा। आई एम लीविंग। ऐसे कैसे जाओगे, मैं भी देखती हूँ। आज मीटिंग में अकेले बुलाते ही समझ गया था मेरे साथ कुछ ना कुछ करने वाली है।
don't know how your wife is satisfying you, but I'll satisfy you more. Madam, आप ये गलत कर रही है, ये करेक्ट नहीं है. मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी. मैं जा रहा हूँ. शाह. इस वक्त इसे किसने मैसेज किया होगा? फोन लॉक है, खोलू कैसे? ट्राई करती हूँ. आज तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी. अरे कमीने, समझ गई थी वही लड़की सुप्रजा है. इस टाइम में क्या भेजा होगा उसने? कॉन्सेप्ट फाइल रेडी, मीट मी क्या, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स. अरे वाह, रिप्लाई करती हूँ. क्या लिखूं? हाँ, इसकी तो ऐसी की तैसी. मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा. कमीना कहीं का. मुझे तो छोड़ूंगी नहीं. बाप रे बाप, कल पकाओ ना डार्लिंग. क्यों रात में परेशान कर रही हो? आज घर जल्दी आओगी या फिर आज भी कुछ इम्पोर्टेंट काम है? आज घर जल्दी आने को क्यों कह रही हो? वो आप कैसे बता सकता हूँ? ऑफिस जाऊंगा तो पता चलेगा ना. जी हाँ जी हाँ, ऑफिस जाने से पता चलेगा. हेलो वर्मा, कम हियर राइट नाउ. आई सेड मैं बहुत गुस्से में हूँ, इरिटेट मत करना. नो, आई सेड आई एम वेटिंग फॉर यू. आई वांट यू टू बी हियर राइट नाउ. हेलो, मुझे बुलाकर फोन क्यों देख रही है? समझ में नहीं आ रहा. मैटर क्या है अब बताओ. आप ही ने बुलाया है मैडम, वैसे इतनी अर्जेंट बुलाने की क्या बात थी? आई कैन अंडरस्टैंड दैट. काव्या का क्या करना है सोच लो. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. आप कैसी बातें कर रहे हो मैडम? अच्छा, सर को कुछ भी पता नहीं, रात को 1 बजे मैसेज करना पता है. मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रही हैं आप? हाँ तो ये क्या है? ये सारे मैसेजेस मैंने आपको किए हैं? मैं समझ गया मैडम, सॉरी मैडम. मैं काव्या से बेहद प्यार करता हूँ, वो मेरी जान है, इसलिए हम जब भी लड़ते हैं मैं खुद उसे सॉरी बोलकर अपनाता हूँ. उसका बच्चों जैसा दिल है मैडम. हाँ वो थोड़ी शरारती है, इसलिए ऐसा मैसेज किया होगा. आप दिल पर मत लीजिए, आपकी चाहत जानते हुए भी मैंने कभी भी अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया. काव्या के बगैर मैं जी नहीं सकता. इससे ज़्यादा मैं आपको क्या समझाऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा. काव्या की शरारत के लिए मैं सॉरी मांगता हूं. पता नहीं कहा होगी, मेरे दादाजी कहा करते थे कि औरत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए. स्विच ऑफ करके रख दिया, थोड़ी सी भी परवाह नहीं है मेरी. टाइम पर घर नहीं आ सकती तो फोन तो करके बताना चाहिए था ना. पता नहीं कहा होगी, इतनी रात में उसको बाहर क्या काम है? रात के 1 बज रहे हैं, बेवकूफ गधी बन गई है. एक फोन तो कर सकती है ना. इससे मैंने जब से शादी की है सर पर बैठी है, अब कैसे बात मानेगी मेरी? आने दो से चप्पल लेकर पटापट मारूंगा उसे. इतना गुस्सा, मेरी चप्पल कहाँ है? अरे कहाँ छुपी है? ए कहाँ गई थी?
तुमसे ही पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी तुम। टाइम कितना हो रहा है तुम्हें पता है ना? क्या समझ रही हो तुम? अपने मर्जी से टाइम पर आ रही हो, टाइम पर जा रही हो? ए, 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 मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। हाथ मत लगाओ मुझे। देखो अब तक मैंने बहुत सहा है लेकिन अब नहीं। मैं भी सहना नहीं चाहती तुम्हें। मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। जबान लड़ाओ मत, समझ गई? देखिए तुम बहुत शरीफ बन रहे हो, मैंने देखा नहीं क्या? डेली ड्रॉपिंग, डेटिंग करना, पार्टी करना, सब कुछ देखा है मैंने। मतलब तुम मेरा पीछा कर रही हो? क्यों नहीं कर सकती? ए, गुस्सा क्यों कर रहे हो? चुप हो जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए? आएगा आएगा। आधी रात को मैसेज किसने भेजा था? मैसेज भेजकर उसे भड़काया किसने था, बोलो ना। मेरे मैसेज की रिप्लाई में उसने क्या भेजा, बताया नहीं तुम्हें? तुम्हारी मर्जी बगैर ऐसा कैसे कर सकती है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरी आदत क्या तुम्हें पता नहीं है क्या? देख रही हूँ ना, घर पर मुझ पर चिल्लाना, मुझे अवॉइड करना, सब कुछ समझती हूँ मैं। मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसे की बात तो तुम करो ही मत। ज्यादा बात करोगे तो जान से मार दूंगा। जान से मार दोगे क्या? मार दो, मतलब तुम्हारी सच्चाई सामने आते ही तुम मुझे जान से मारने की बात कर रहे हो? ए, मारो। कुछ भी गलत कहा तो दांत तोड़ दूंगा तेरे। मारो मुझे। I hate you. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम। अब इस टाइम घर जाऊंगा तो खाना तो मिलेगा नहीं। समझ गया सर। ए छोटू यहाँ। सर ये कबाब टेस्टी है क्या? हाँ टेस्टी है सर। अच्छा तू खाता है क्या इसे? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी से तो लगा दे। हाँ ठीक है सर, ठीक है। पुलिस की गाड़ी आ रही है ना रोज? हाँ आ रही है सर। अब तो अभी दे रहे हैं सर। दे रहे हो क्या? हाँ सर दे रहे सर। मुझे तो मिला नहीं। आपके लिए भेजा है सर, आपके हवालदार के हाथों भेजा है। चिकन खाओगे क्या? ओके सर। रोटी भी ऑर्डर कर दो। ओके ओके सर, आपको जो भी पसंद है मंगवाइए। एक प्लेट बटर नान। ओके सर। एक प्लेट चिकन। ओके सर। और सब खत्म होने के बाद लस्सी, लस्सी और लस्सी के नीचे मेरा हफ्ता। ओके सर ठीक है ना? कुछ पार्सल चाहिए तो? समझ गया मैं, जो बोला लेकर आ पहले। ओके सर ठीक है। तो अब बताओ भाई वर्मा। कुछ नहीं सर, आप ही बताइए। क्या बात है, पीछे क्यों देख रहे हो? वो क्या, मेरी कार बाहर है ना इसीलिए। कार को कुछ नहीं होगा, किसके साथ आए हो तुम? हाँ सिंघम के साथ। हाँ सर ओके। उठ जा। खत्म हो गई क्या यार? हमारा दोस्त कहाँ गया यार? बताओ अभी तक आया ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, उस लड़की ने उसके साथ बहुत गलत किया। उसको बोला तो इसको मिर्ची क्यों लगी? चाहे कुछ भी हो जाए यार, उस लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ लड़की को बोल रहा हूँ यार, इसलिए गुस्सा आ रहा है इसको। अब चाहे कुछ भी हो यार, हमारी बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ अरे अरे रुक तो। अबे क्या है, तेरी पत्नी तुझे मारेगी तो उसका गुस्सा मुझ पर उतारेगा क्या? कमीने ने पूरा नशा उतार दिया। मेरी पत्नी मुझे मारने का और उसकी पत्नी घर से भागने का कारण एक ही है। वो क्या यार? मैं हूँ। कमीने, मैं 7 दिन बाहर क्या चली गई? हो गया सत्यानाश, ये तो भड़की हुई है। हमारे 7 साल के प्यार को किसी कोने में फेंक कर वो रो रहे थे, इसलिए तेरे पापा की बात मानकर इस मॉडल से तुम 7 फेरे ले रहे हो। ऐसा नहीं है। काट कर फेंक दूंगी तुझे, तो जमीन में गाड़ दूंगी। ऐसा नहीं है यार। और नहीं तो क्या, तुझे तो मैं, मेरी बात सुनो, दुकान से तुझे तो मैं जान से मार दूंगी। आके तूने से शादी क्यों की? मेरी बात सुनो, समझ क्या रखा है तूने? तेरे जैसे पर मैंने भरोसा किया? हाँ अरे सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मुझे काव्या देखो, अरे मेरी बात तो मुझे तो जान से मार देना चाहिए, मुझे धोखा दिया। लेकिन मेरी बात तो सुनो काव्या, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे खत्म करके किसी और से शादी करनी चाहिए। देखो तुम शादी से छोड़ूंगी नहीं। अरे देखो मुझे लग रही है, अरे मेरे साथ जो किया ना उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। तेरा मेकअप तो मैं करूंगी, मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तुझे मेकअप की पड़ी है? कमीने तेरा तो मैं बहुत अच्छा मेकअप करूंगी। बाद में बात करते हैं। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या कर रही हो तुम? मैं क्या करूँ? मैं हूँ ना। वैसे अभी अभी तो तुम शहर में आई हो, इतनी जल्दी तुम्हें कैसे पता चला? तेरी तो, तूने मेरी बुआ की लड़की से शादी की है। बुआ ने सबको इनवाइट किया था यार, मैं पता नहीं वहाँ घूमने चली गई थी और तुम बेशर्म की तरह उससे शादी कर रहे थे। क्या कर रही हो? हाँ तो मेरा क्या होगा? और क्या होगा, तुम्हारे पापा की पसंद के लड़के से शादी कर लो। मैं किसी और से शादी करूँ? तेरी तो। अरे रो मत यार, क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए तो शादी की।
हाँ तो मेरे लिए शादी क्यों की बताओ? उससे शादी करूंगा तो तुमसे भी कर सकता हूँ, समझ में नहीं आया? 7 साल से तेरा सारा मेंटेनेंस कहाँ से आ रहा है पता है? मेरे जरिए से। तेरे जॉब के लिए मैंने 4 लाख दिया था, वो कहाँ से आया पता है? उसके बारे में कभी सोचा है? फ्लैट चाहिए तो दिला दिया, नेक्स्ट मंथ कार भी मांगी तूने, मैंने मना किया? सुनो, अगर उससे शादी नहीं करता तो हमारे हाथ में कटोरा होता, भीख मांग रहे होते हम दोनों। मैंने शादी की इसलिए मुझे लाइसेंस मिला, तुम भी करोगी तो तुम्हें भी मिलेगा, हम दोनों मिलकर जिंदगी भर लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं, समझ गई ना? हम दोनों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए दूसरे को सेट करता हूँ, मैं हूं ना? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन हम दोनों को पैसों की जरूरत है। अब ये फोन क्यों कर रही है? ओ गॉड, लगता है पीछा नहीं छोड़ेगी। हेलो, सुनो, तुम दोनों प्लान करके मेरे साथ क्या करना चाहते हो? क्या हुआ यार? आज उसने मुझे मारने की कोशिश की है, सिर्फ मार खाने के लिए मैंने शादी की है। आखिर तुम दोनों के बीच झगड़ा क्यों हुआ? मुझे छोड़कर वो किसी और से प्यार करता है और उसकी वजह से वो मुझ पर कितना चिल्लाया पता है? हाँ क्या, वो तो ऐसा इंसान नहीं है। तुम भी उसे सपोर्ट कर रहे हो ना? ठीक है, यहाँ मेरी किसी को जरूरत नहीं है, समझ गई हूँ। ए, कैसी बातें कर रहे हो तुम मेरी जान हो तुम, तुम्हें पता है ना, उसे किसी के साथ भी घूमने दो, तुम मेरी हो यही काफी है। वो किसी और के साथ घूमे ये देखकर मैं अनजान बनी रहूं, मतलब मैं बेवकूफ हूँ? अरे पागल हो गई हो क्या, कैसी बातें कर रही हो? असल में तुम्हें मेरी जरूरत है या नहीं? मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ तो उसे किसी के साथ भी जाने दो, तुम्हें क्या करना है? वो हमारा राज जानना नहीं चाहिए, इतना ही है ना, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊँ मैं, वो तो लड़कियाँ देखता रहता है। यही बात वो भी कहेगा, तुम्हें मुझे आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए। मतलब मेरी जरूरत तुम्हें भी नहीं, इतनी पराई हो गई हूँ तुम्हारे लिए? ऐसा नहीं है यार। बात मत करो, तुम और वो मिलकर सब प्लान करके मुझे धोखा दे रहे हो। दोनों को सिनेमा दिखाऊंगी, अरे मामूली सिनेमा नहीं, तुम्हें और उसे डॉल्बी डिजिटल में 3D सिनेमा दिखाऊंगी। अरे 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 रुको रुको, मेरी बात सुनो। अरे हेलो, वहाँ क्या कर रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यही असली कारण है यार, अरे मेरे लिए दुनिया में कोई हो या ना हो, मेरी काव्या के बगैर मैं नहीं रह सकता यार। अच्छा, बचपन में हमारे सोशल सर ने सही कहा था, तेरे जैसे क्लीन शेव करके स्मार्ट दिखने वाले कमीनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या कहा? अरे कुछ नहीं यार, तेरे अंदर एक ज्वालामुखी छुपा यार। यार मेरे अंदर का दुख अग्नि पर्वत की तरह उबल कर बाहर आ रहा है, मैं क्या करूं? तेरे अंदर इतना है तो उस ज्वालामुखी से ज्यादा लावा तो उस बेचारे वर्मा के दिल में होगा, पता नहीं कहां भटक रहा होगा। ये जो होटल है ना, हाँ, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ, जब भी मैं हाँ पत्नी से मार खाता हूँ ना यही खाने आ जाता हूँ। पुलिस वाले होकर भी पत्नी से मार खाते? अरे छोड़ो भाई वर्मा, प्लेट खाली है, लो कुछ। नहीं नहीं नहीं, बस बस बस। अरे लो थोड़ा सा। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे थोड़ा सा दे रहा हूँ बस। ओके सर ओके सर। मैंने ज्यादा खा लिया यार, रात में ज्यादा खाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता। यहीं पर, यहीं रोक देना, बस बस यहीं। सर। अच्छा भाई। हाँ सर। बस 2 मिनट। हाँ वेट करना, मैं आ जाऊंगा। हाँ मैं वेट करूंगा ना सर। आप आता हूँ भाई वर्मा। हाँ 2 मिनट। ओके सर, मैं रुकूंगा सर। अरे क्या है, अभी तक नाइटी में हो, रेडी क्यों नहीं हुई अब तक? क्यों जुबान चला रहे हो, अंदर आइए। फिर से शुरू हो गई है, इतना रगड़ रही हो, रगड़ने से ज्यादा सुंदर हो जाओगी क्या? ए दोबारा अगर मुझे टोका ना। कैसे आराम से जा रही है, लगता है इसको जल्दी है ही नहीं। भाई वर्मा बस 2 मिनट। ओके सर कोई बात नहीं। वर्मा जी कहाँ है? अब तुम्हें क्या करना है? मतलब वो चाय वगैरह पियेंगे ना। अरे पहले रेडी हो जाओ। क्यों इतना जलते हैं आप? बाप रे, आधा किलो पाउडर लगाया है। ये लो,
इसे ले जाकर कार में रख दो। इसे कार में नहीं रखते हैं, डिक्की में रखते हैं। मैं ताला लगा कर आती हूँ। पति चाहे कुछ भी हो, बीवी की गुलामी करनी ही पड़ती है। थू है जिंदगी पर। हाँ, लगता है हमारा यार आ गया। अच्छा तू रुक, मैं देख कर आता हूँ। अरे मैं भी आता हूँ, रुको। अगर मैंने तेरी कई बात वर्मा को बता दी तो पता नहीं तेरा क्या होगा। उस टॉपिक के बारे में बात करेगा ना तो तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। ठीक है, जाने दे। ए, 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 कौन यार इतनी देर से बिल बजाया जा रहा है? अनएजुकेटेड फेलो। अरे कहाँ चली गई थी तुम? ए, बहना आ गई है, मैं तुरंत वर्मा को फोन करता हूँ। मेरा फोन कहाँ है? वर्मा के आने तक पता नहीं ये क्या करेगा। ए, तुम इस तरह बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। काव्या, अब लगता है मैडम गुस्से में है। अरे बात क्यों नहीं कर रही हो? लगता है दो पैक मारते ही पासवर्ड भूल गया। तुम पागल हो गई हो क्या? हेलो। हेलो। हाँ, हमारी बहना घर आ गई है, तुम भी आ जाओ। कैसी बात कर रहे हो भाई? अब तक कहाँ गई थी तुम? वो और मैं तुम्हें ढूंढकर कितना परेशान हो गए थे पता है? अरे यार काव्या घर आ गई है, अब तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर आ जाओ जल्दी से। हाँ? अरे फोन एक बार देना उसे। हाँ, वो तो काव्या को कुछ समझा रहा है। ए, चुपचाप फोन दे उसको। अब ए, तुमसे बात करना चाहता है वो। हेलो काव्या घर आ गई है, तुम भी घर आ जाओ। हेलो ए, ए, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो कहाँ गई थी पूछ रहा हूँ, तो खामोश क्यों बैठी हो? हाँ भाई, अरे सर, खोलना, अरे, ये सामान अरे सर, रखना मुझे लगेज दीजिए। मैं ले जाता हूँ ना। कोई बात नहीं। अरे सर, क्या कर रहे मैं रख देता हूँ ना सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हे भगवान, मुसीबत टली। अरे जल्दी आओ। आ रही हूँ ना, चिल्ला क्यों रही है? जस्ट मिस, बैठिए ना सर। पीछे बैठना। अब बैठिए मैडम। चले क्या सर? हाँ चलो। हाँ अरे तुझमें थोड़ा दिमाग भी है क्या? कितना भी गुस्सा है इस तरह छोड़कर जाओगी क्या? अच्छा अब क्या करोगी? ठीक है, उसे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मुझे तो बताना चाहिए था ना। मैं कितना घबरा गया था पता है। सॉरी ऐसे क्या देख रही हो? हाँ अच्छा, वो क्या, उसे हमारे बारे में सब पता है, मैंने ही बताया। क्यों रे? वैसे इतनी जोर से क्यों मारा? अरे वो किसी को नहीं बताएगा, प्रॉमिस किया है। क्यों रे? ये इतनी दूर बैठकर मुझे थप्पड़ कैसे मार रही है? इतनी जोर से क्यों मार रही हो? तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन कल रात से मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ पता है। देखो उसे, देखो उसे देखता हूँ तो उल्टी आती है। उसके साथ बैठकर कल शाम से शराब पी रहा हूँ मैं। बच्चा तू बड़ा लुच्चा है, तेरे बाप का भैंस मारो। और तो और मैसेज भी नहीं छोड़ा। अरे डार्लिंग बात करो ना। पता नहीं वो कहाँ है। हाँ यार झूठ बोलकर और कितना मनाएगा तू? तू बकवास बंद कर, ऐसे क्यों देख रही हो? बाप रे फिर से मारा, आज इतनी धुलाई क्यों हो रही है? पता नहीं क्यों पर ये चलता रहना चाहिए। बात नहीं करनी मत करो, लेकिन इसके सामने मुझे मार क्यों रही हो? नहीं ऐसे नहीं, इसे अभी पटाना होगा। ए कितनी खूबसूरत लग रही हो पता है, देखकर तुझे बड़ा प्यार आ रहा है। ए उस तरफ घूमो। इसकी तो मेरा जीना हराम कर दिया इसने। इस साड़ी में कितनी सेक्सी लग रही हो पता है। तुझे तो मैं बेडरूम में लेकर जाऊंगा। समझ गया मैं। ए घूमने के लिए कहा था ना। छे लगता है इस पिक्चर को सेंसर करवा के ही रहेगा। कैसी मुसीबत है यार। क्या ये इशारों में बात कर रही है? लगता है लाइन पर आ रही है। हाँ
हाँ, ये तो बेडरूम की तरफ इशारा कर रही है। क्या अभी? बाप रे, लेकिन किस लिए? समझ गया मैं। इसी वक्त क्या हुआ यार, चिल्ला क्यों रहा है? अबे चिल्लाना बंद करना। अरे क्या कर रहा है यार? अरे पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता ये टोड़ में क्या कर रहा हूँ। क्या मुसीबत है यार? अपने आप हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। कैसी मुसीबत है यार, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अरे मैं छोड़ना चाहता हूँ इसको, ये अपने आप ही चल रहा है। मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? अरे ये ऑटोमेटिक है क्या? जलन हो रही है क्या यार? अरे बस कर यार। अरे बस कर, अभी मरवाएगा क्या? अबे तूने ऐसा क्या पी लिया है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है? हाँ तेरे की क्या हो यार तुम? अरे मुझे छोड़ेगा या नहीं ये बता। मुझे सिर्फ तेरी आवाज सुनाई दे रही है, दिखाई नहीं दे रहा है तू। आऊंगा तो क्या करोगे मुझे पता है, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब तेरे बाप करवा रहे हैं मुझसे। तेरी तो यार कहाँ है तू, जल्दी से आ जा। इस शेकिंग और टेंशन को सह नहीं पा रहा हूँ मैं। मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। बच कर कहाँ जाएगा, चला जा। रुक रुक जा। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द गेम। छोड़ दे मुझे, मजे करते हैं ना। अबे बच कर यार। बेबी बेबी कम ऑन, लेट्स गो। नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। अरे छोड़। कौन सा स्प्रे है बेबी? एक्स एक्स। ये आवाज कैसी है यार? तेरी ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो भाई? देखी मिर्ची खिला रहा हूँ, आजा तुझे भी खानी है क्या? ए मैं खाता भी ज्यादा हूँ, मर्डर भी ज्यादा करता हूँ। तेरा मर्डर मैं करूंगा आज। अरे बाप रे, ये तो खतरनाक लोग हैं। वर्मा जी मतलब यही है क्या? वर्मा जी आपकी पत्नी भाग गई क्या? ओह भागी नहीं है जानू, बस घर से चली गई है। वर्मा जी आपको देखकर मुझे बहुत तरस आता है। अब इसकी जरूरत नहीं है, क्या वरना मेरा है? क्या होगा? कोई बात नहीं जी, मिल जाएगी। उसी को ढूंढने के लिए तो निकले हैं। वर्मा जी आपकी पत्नी खूबसूरत है क्या? तुम्हें इसके बारे में क्यों जानना है? आप चुप रहेंगे थोड़ी देर? ये बस स्टैंड कितनी देर में आएगा भाई? बस सर आ गया सर, करीब में है, दो मिनट सर। इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी है जानू, बस का टाइम हो गया। और इसकी बीवी को भी तो ढूंढना है, नहीं तो मायके तक ड्रॉप कर देते। वर्मा जी मैं चलती हूँ। ये सबसे ठीक से बात करती है मेरे अलावा, शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं सर, संभल के जाना। हाँ चलती हूँ, तुम्हारे कहने से क्या होगा। ठीक है जैसे जाना जाओ, हम चले सर। हाँ। पहले इस पुलिस से छुटकारा पाकर घर जाना होगा। मेरे हिसाब से ज्यादातर RTC बस का एक्सीडेंट नहीं होता अगर ड्राइवर ठीक से चलाएगा तो। सर अच्छा सुनो, आगे से लेफ्ट लेना, वहीं पर मेरी ड्यूटी है, पेट्रोलिंग चल रही है। ठीक है? ओके सर। वो देखो वहीं पर हमारे लोग। यहाँ रुको सर। हाँ हाँ यहाँ लेफ्ट में। ओके सर। स्वामी लगता है हमारे सर आ गए। सर गाड़ी राउंड पे गई है क्या? हमारी गाड़ी अभी गई है सर। ठीक है चलता हूँ भाई। ओके ओके सर। कितना टाइम लगेगा? थोड़ी देर में आ जाएगी। अब थक गया हूँ यार। ए कुत्ते कमीने जाकर दरवाजा खोल। ए मुझसे नहीं होगा, जा तू ही खोलना। तेरी तो पैंट नहीं है तो कैसे जाऊंगा मैं? ऐसे क्या देख रहा है? ए भाई मेरे अंदर उठने की ताकत ही नहीं है, जाके तू ही खोल देना प्लीज। अरे जाना यार। लगता है इन कमीनों ने पूरा घर गंदा कर दिया है। ए कालू वीर कहाँ मर गए सबके सब? ए अरे भाई ये क्या है बे? तू बिल्कुल करीब मत आना, इसने क्या किया पता है? रात में मिली हुई पूरी शराब पीकर मेरे साथ बलत बलत छिछे बलत बात। इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। नहीं निकल रहा है। मेरा रेप कर दिया यार इसने। दोस्त मैंने जो पिया है उसने भी वही पिया है, पर कितना है कि उसने अलग अलग करके पिया है और मैंने सब मिला कर पिया है। ए, अब बहुत हुई तुम्हारी मस्ती। मैं तो पढ़ाई कर रहा था यार, चाहिए तो देख लो उसको ही चढ़ी है। ए मुझे ही नहीं तुझे भी चढ़ी है।
ए, क्या बोला तुमने? गंदी हरकतें कौन कर रहा था? अबे ये कल्लू कालिया कहां से मिल गया तेरे को? तुम लोग पी पी कर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? काव्या किधर है? काव्या तो यहीं पर। हाँ यार, बहना को आए बहुत देर हो गया है। बहना, बहना। ए, वो नहीं आएगी, मुझे पता है। और तुम लोग को लगता है वो ऐसे करके आ जाएगी? ये सब मेरी गलती है। अरे क्या यार, ये इतना सीरियस हो गया? वो तो आई थी ना। जब वो आई थी तब दिखा देना चाहिए था। इसने देखा नहीं क्या? बिना देखे ही ऊपर चला गया। कहीं हम दोनों का वो सीन तो नहीं देखा होगा ना इसने? और अगर इसने देख लिया होगा तो मेरी तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी यार। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, पता नहीं ये कहां चली गई। यार बहना को तो यहीं कहीं होना चाहिए ना। ये क्या यार, काव्य आई है ये बता रहा हूँ तो कह रहा है कि नहीं आई है, और वो नहीं आएगी मुझे पता है ऐसा कह रहा है। उसने बस ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में कहा होगा यार। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। वो मैडम, ऑफिस में बहुत काम है और प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है। कम इन। वैसे मैडम, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हमेशा प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है। वो न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नव्या जी का रेडी किया है क्या? हाँ वो तो रेडी है मैडम। ओके, एक बार दिखा दीजिए। इसको क्या दिखाओ, मैं मेरी हालत तो वैसे ही टाइट है। मैडम ये रही मेरी प्रोजेक्ट फाइल। बताइए, रेडी किया है क्या? हाँ किया है मैडम, यही है। यही है क्या? मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम। डोर एक ही है क्या? mm. दूसरा नहीं है? हाँ एक ही डोर है, दूसरा नहीं है। ओके ये सारी डिजाइन्स कैसे लगी? आप ओके करेंगे तो भिजवा दूंगा। इसकी आंखें तो नशे में लग गई है। आप बोलो तो मैं क्लाइंट से बात कर लूंगा। बात करो ना। ये बिगाड़ क्यों रही है? आप ये सारे डिजाइन्स को एक बार देखोगी तो बेटर होगा मैडम। देखूंगी। क्लाइंट आने वाला है ना, फ्रेश होना चाहिए। मैं नहाकर आती हूँ। आप क्या करने वाली है ये? वर्मा जी तैयार हो जाओ बेटा। ओहो वर्मा, कंट्रोल कर भाई, कंट्रोल। काम पर ध्यान दो। अबे ये क्यों ऐसे ही आ गई? अब क्या होगा मेरा? तुम रेडी हो जाओ, वो लोग आने ही वाले हैं। ठीक है मैडम। मैडम मैं बाहर वेट करूं क्या? नो 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 नो, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। अबे काय का काम करूं? मेरी तो अंदर से वाटी लगी है, मेरी दर्द को समझ नहीं पा रही हो। मुझे तो कपकपाहट होने लगी है। हो गया क्या? हो गया मैडम, हो गया। बस एक बार अच्छे से देखो। मैंने पूरा देख लिया मैडम, आप एक बार देखेंगे तो? देखूंगी, पहले तुम चेक करो। पूरा चेक किया है मैडम। सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ ओके मैडम। मैडम मैडम क्लाइंट्स अभी तक नहीं आए? वो नहीं आएंगे। हा? हम दोनों को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं तो पहले ही समझ गया था। वर्मा प्लीज हटिए मैडम, छोड़िए। देखो इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। और मुझे चाहिए भी नहीं। वर्मा आई नीड यू। बट आई डोंट। जिंदगी झटका गाड़ी, कौन सा है ये प्रोग्राम?
अरे दोस्त के पत्नी के साथ इल्लीगल संबंध, शह ये गलत है ना यार। हाँ गलत है, गलत है, बहुत गलत है। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। शह सोसाइटी बहुत ही गंदी हो गई है। सच कह रहे हो? हाँ। चीची चैनल चेंज करो। हाँ चेंज कर दूंगा, वैसे भी तुम्हें ये पसंद नहीं है। हाँ चेंज कर, चेंज कर। अरे क्रिकेट आ रहा है यार, इंडिया बांग्लादेश। अच्छा हाँ हमारे बैट्समैन के कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। अरे ले लो यार सिंगल ले लो। अरे क्या सिक्स मारा यार, बहुत बढ़िया, और एक सिक्सर भी मारा। सिक्स है, क्या खेलता है ना कोहली। आगे 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 थोड़ा आगे, तीन तीन तीन, तीसरा। अरे देखो यार उसका तीसरा रन भी पूरा हो गया। अब जीत जाएगी इंडिया, कोई समस्या नहीं है। इंडिया की खिलाड़ियों का कोई जवाब ही नहीं है। अरे गुलाब जामुन बनाया ना इसके लिए। हाँ खिला देना इसे, अच्छे से खाएगा, बहुत पसंद है इसे। हाँ वो उसमें चाशनी रहेगी। हाँ, ना बहुत अच्छी चाशनी रहेगी, स्वादिष्ट होगा। हाँ। मैडम 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 मैडम, इतने बड़े घर में मैडम अकेली कैसे रहती होगी? ऊपर आ जाओ। अरे यार फिर से फंस गए इसके जाल में। आओ। आ रहा हूँ मैडम। You're looking so hot today. आज तो मेरी खैर नहीं है। कम? हाँ, बुलाओगी ना? तेरा क्या जाएगा? इससे जितना दूर रहूंगा उतना ही बेहतर होगा मेरे लिए। बाप रे, वहाँ नहीं, यहाँ मैं सेफ रहूंगा। Hello, come here. नहीं मैडम मैं। Sit here, come. मैं यही ठीक हूँ मैडम। I said come here. मुझे बिगाड़ने पर लगी है। वर्मा तुमसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। मैं लैपटॉप लेकर नहीं आया हूँ मैडम, आपके अर्जेंट बुलाने से मैं घर से यहीं आ गया। वैसे काम क्या था मैडम? हमेशा काम की बात, मुझे देखो। आप यही बताने वाले थे क्या मैडम? वैसे आप सैलरी देते हैं मेरे काम करने पर, बिना काम किए सैलरी लेना अच्छा नहीं है मैडम। हाँ क्या, तो मेरा बताया हुआ काम क्यों नहीं करते? क्या नहीं कर रहा हूँ मैडम, प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट कर चुका हूँ, वर्क पूरा अपडेट में है ना? वर्क तो अपडेट में है लेकिन तुम नहीं हो। मतलब? वही, इतना समझाने पर भी नहीं समझ में आता। मैडम जो भी कहना है साफ साफ शब्दों में कहिए। हाँ रुको। हा? ये उठकर वापस कहाँ जा रही है? फिर से टावल बांध कर तो नहीं आएगी? इतना बड़ा घर है फिर भी इसके दिल में प्यास है, हर तरह से मुझे अपने जाल में फंसा रही है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं कावे के साथ ही करूंगा। ये तो कुछ ला रही है। Drink Sprite, so you will not feel stressed. मैडम मैं Sprite नहीं पीता मैडम। So what? You came here to drink Sprite. Come on, cheers. ऑफिस ना जाकर हम यहाँ क्या कर रहे हैं मैडम? आप ऑफिस आएंगे तो सभी डर के मारे काम करेंगे। ये सब किस लिए मैडम? सिर्फ तुम्हारे लिए जान। मेरे लिए? आई एम नॉट फीलिंग वेल। अरे क्या हुआ मैडम? बैक पेन। बैक में पेन हो रहा है मैडम? मुझे भी इस तरह कमर में दर्द हो रहा था, मेरी पत्नी ने अच्छे से मालिश किया फिर सब कुछ ठीक हो गया। हाँ वो असल में वो मेरा छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखती है। ये तो नहीं भूलेगा। माँ की ममता दी है उसने। क्यों तुम्हें तुम्हारी पत्नी इतनी पसंद है? सिर्फ पसंद नहीं है मैडम, वो मेरी जान है। उसे याद किए बिना रह नहीं सकते तुम? बिना सांस लिए जी नहीं सकते ना मैडम, कुछ रिश्ते ऐसे ही। पूरा प्रोजेक्ट शाम तक, रात में किसी भी तरह मैं रेडी करके सुबह ही सबमिट कर दूंगा। चलता हूँ मैडम, बाय। मैं नहीं फंसने वाला, बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। तुम्हें किस तरह जाल में फंसाना है मुझे अच्छी तरह पता है। वर्मा। हाँ? वेट। अब क्या हुआ? वर्मा We are going out of station to finalize our project for a week. You
एंड मी। बेटा फंस गया जाल में। गेट रेडी। ओके। हे, उसे ऑफिस में काम है ये बात कहकर उसे गए हुए 6 दिन हुए हैं। लगता है तुम उसको बहुत मिस कर रही हो। इतना भी नहीं। हाँ, तो फिर उसके बारे में क्यों सोच रही हो डार्लिंग? नहीं यार, उसके साथ मैं ना, वो सुप्रजा भी है, वैसे भी वो कंपनी की हेड है और सेक्सी भी लगती है। वैसे वर्मा बहुत भूला है, पता नहीं उसके साथ क्या करेगी। तुम मेरे साथ जो कर रही हो वर्मा भी उसके साथ वही करेगा, ये कैसे सोचा तुमने? वो तो बहुत भोला है। इसी बात का तो मुझे टेंशन है, भोला इंसान हमें दोबारा नहीं मिलेगा, पता नहीं उसके साथ वो क्या करेगी। वहाँ उसके साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। उसके आने तक अगर मैं ऐसी रही तो वो मुझे जरूर भगा देगा। वैसे भी उसके आने की खबर मुझे मिल जाएगी, उसे आने से पहले कॉल करने के लिए कहा है मैंने, वो कॉल करेगा मुझे। अरे वाह, क्या दिमाग पाया है। देखो। अरे अब ये सेल्फी क्यों ले रही हो तुम? नाइस। उठो। अब क्या करेंगे हम? अरे मैं मैनेज कर लूंगा, मैं हूं ना। कैसे भी करके इसे मैनेज करना होगा। हे यार, यार आने के टाइम फोन करके आऊंगा ऐसा कहा था ना, तुमने कॉल नहीं किया तो मैं खुद ही आ गया। अरे यार फोन करने वाला था भूल गया, सुप्रजा से बचकर आने में टाइम लग गया। एक मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ, चाय कॉफी पिया कि नहीं? ओए मेरा फ्रेंड आया है, इसे चाय पानी पिलाओ। हाँ, लेकर आती हूँ। नहीं तो आज सारा भांडा फूट जाता। काव्या तुम्हारा फोन। मेरा कोई फोन आया था क्या? हाँ देखो ना। ये तो बिल्कुल मेरी पत्नी जैसा है। अरे वाह, लगता है मैंने मैनेज कर दिया है। थोड़ी देर रहते तो पकड़े जाते, तब क्या करती तू? अरे लेकिन अब सब ठीक है ना? कर दिया फालतू का मैसेज। मैं हूं ना। लगता है चाय के साथ ये भी गलत हो रही है। यार बेकार का शराब देने वाले उस दुकानदार की पिटाई करके एक कमाल की शराब लाऊंगा, हम दोनों पी करके फिर से एंजॉय करेंगे। ए पहले निकल यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ मैं। अरे वाह गाड़ी की चाबी। अरे यार बाइक में बोतल लेकर आना मुश्किल है, कार ले जाकर पूरा बक्सा लेकर आता हूँ। तेरी तो चल निकल। हाँ, समझ गया मैं, तेरे मैदान में मेरा खंबा। थोड़ा होशियार रहना, वर्मा को पता चलेगा तो मारेगा। ए, अब जाता ही आप रे, दस में मार देगा लगता है। काव्या शॉपिंग कहती हो फिर भी देरी करती हो, चलो जल्दी आओ मैं कार में वेट करूंगा। ठीक है। आज के दिन तुम दोनों कमीने पकड़े जाओगे, रेड हैंड। काव्या जल्दी आओ
और कितनी देर? जब भी फोन करती हूँ बिजी आता है, कभी मेरा फोन टाइम पर नहीं उठाता। उठा लो फोन। अरे यार, हेलो, शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। अरे अब शॉपिंग किस लिए? तुम नहीं आओगे? ठीक है, आता हूँ आता हूँ। हाँ आ रही हूँ, जल्दी आओ। ओके ओके बाय, जल्दी से आना। बाय। आ जाऊंगा बाय। आ रही थी ना, इतना हॉर्न क्यों बजा रहे हो? वो अब तक आई क्यों नहीं? फोन क्यों कट कर रही है? हे, कैसा है भाई, इतना लेट कैसे हो गया? क्या बात है वर्मा, अचानक शॉपिंग? फरमाइश तो तेरी फ्रेंड की है। ओ, मैडम की फरमाइश है क्या? क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? हमसे बात नहीं करेंगी क्या मैडम? बस एक मिनट, हाँ मैं पानी लेकर आता हूँ, बैठे रहो। हाँ जल्दी आना। निकलने के टाइम फोन क्यों करती हो? थोड़ी देर पहले ही करना चाहिए था ना। Don't talk to me. ओहो, अरे ऐसा नहीं है डार्लिंग। Please behave. गुस्से में हो क्या? अच्छा, तेरा गुस्सा कैसे कम करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। अब तो मान गई ना डार्लिंग। चले क्या? हाँ हाँ चलो ना यार। तुम दोनों अंदर जाओ, मैं आता हूँ। तुम भी चलो ना। तुम चलो ना, मैं आता हूँ। अरे ठीक है, वो अंदर आ जाएगा, चलो हम चलते हैं। ये सब तेरा ही प्लान है, समझ रहा हूँ मैं। हाँ तुम्हें जो भी चाहिए ले लो ना मेरी जान, मैं हूं ना। इसका रेट तो ये अच्छा है ना, तुम्हें ये पसंद आ गई? ये तो एक और साड़ी देख रही है, इसका रेट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट दिखाओ। डार्लिंग ये इतनी खास नहीं है। अरे इसके पास तो सबका रेट ज्यादा है। अच्छा भाई साहब, वो कुछ कम रेट वाला नहीं है क्या? हाँ डार्लिंग, कुछ कॉस्टली दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। ये नहीं, थोड़ी देर पहले देखा था ना। हाँ ये पता नहीं ये कौन सा दिखाया, डिजाइन थोड़ा सा अच्छा नहीं है ना। शॉपिंग पर लेकर आया है और देखो कैसे बैठा है। छे। हाँ, ओके ओके। चलो बुलाओ उसे, बिल वही भरेगा। करो करो शॉपिंग करो। इसे खरीदते हैं। अच्छा, वो भी ले लेंगे। हाँ हाँ बहुत अच्छी लग रही है ना। तुम्हें कैसी लगी? अरे मुझे एक कॉल आया है, मैं नीचे कार में रहूंगा, तुम दोनों आ जाओ। अरे कमीना भाग गया, मैं बेवजह फंस गया। ए, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। डार्लिंग मुझे लगता है यहाँ रेट्स बहुत कम है, नेक्स्ट टाइम यहाँ बिल्कुल मत आना। क्यों ज़्यादा बोल रहे हो? अरे मजा किया डार्लिंग। अरे क्या यार, ऐसे ही बीच में उठकर आ गए, काव्या को कितना बुरा लगा पता है? कहाँ हो तुम? हाँ डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करने आया था, एक साड़ी भी खरीदी है। हाँ तो जल्दी से आ जाइए। हाँ हाँ आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ओके, अरे वर्मा गाड़ी रोक देना यार।
ओके बाय, चलता हूँ। हाँ बाय। प्यार से कभी साड़ी खरीदी है तुमने? वीरू को देखो, उसकी पत्नी के लिए साड़ी खरीदी उसने। तुम बेकार हो, बेवजह शादी क्यों की जब मेरी जरूरत नहीं? तुम बात मत, ए उंगली मत दिखाओ, तुझे मैं जान से मार दूंगा। हेलो, हाँ बोलो छोटू। हाँ साइट पर हो क्या? हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। अरे ए, मैं साइट पर आऊंगा, बोला ना। दिमाग खराब कर दिया। तुम्हारे अंदर प्यार ही नहीं है, सिर्फ गुस्सा करना आता है। क्या नाटक कर रही है? मैं ऊपर जाकर आता हूं। रामू। हाँ सर। हाँ क्या प्रॉब्लम है? एक बार देखिए ना सर। देखा कस्टमर आए हैं क्या? जी सर। हाँ वो फ्रेंड वाला एलिवेशन बदलना है, इतना ही है ना? जी हाँ सर। ठीक है चलो देखते हैं। ये सारे बंबू खुलवा कर पीछे डलवा दीजिए। ओके सर। मैंने उस पिलर का डिजाइन दिया है ना? जी सर। वहां तक बदल देंगे। हाँ, ठीक हो जाएगा। हाँ, कस्टमर ने फोन किया था क्या? हाँ सर। ओके उनसे मैं बात कर लूंगा। ठीक है जी सर। अगर कुछ डाउट हुआ तो कॉल करना। कुछ छोड़ूंगी नहीं मैं। सुबह से देख रही हूँ, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो। तुमसे ही बात कर रही हूँ, बात क्यों नहीं करते हो तुम? चुप क्यों हो बोलो? मैं चुप हूँ तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? इसलिए, लेकिन इसलिए कि तेरा ख्याल रखने वाला है ना? पता नहीं तुम और तुम्हारा बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा। समझने वाले को इशारा काफी है। तुमसे बात करके मेरा दिमाग खराब होता है। वैसे भी तुम्हें शॉपिंग पे बुलाया, ये मेरी गलती है, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती। वही तो, मेरा शॉपिंग में आना ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? ऐसा मैंने क्या किया? सिर्फ बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ तो और किस तरह से समझाऊं? मुझसे बात मत करना, सब कुछ नाटक है। जी हाँ, मैं बात करती हूँ तो प्रॉब्लम है, सुप्रजा से बात करते हो तो अच्छा लगता है तुम्हें। कर बात करो। मैं बात करती हूँ तो गुस्सा आता है तुम्हें, और तुम जो बात करते हो वो सही है क्या? प्यार करके नाटक नहीं लगा तुम्हें? मैं कुछ भी करने वाला रहूँगा ना, दिखा के करूँगा। क्या करोगे? वैसे तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मैं जो भी करूँगा दिखाऊंगा। चलो अभी, बाद में झगड़ा करना। अरे तुम्हारा फोन। मेरा फोन? हेलो, ये तो मैं। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या, किस बारे में बात कर रहे हो? कितने सालों से चल रहा है ये सब? क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तेरे समझ में नहीं आ रहा इसलिए पूछ रहा हूँ, या मेरे समझ में ना आए इसलिए नाटक कर रही हो? जो भी बात करोगे सीधी करो, अच्छा रहेगा। अगर तुम सीधी होती तो बहुत अच्छा होता। मैं सीधी हूँ या तुम सीधे हो, ये समझ में आ रहा है? कितना प्यार किया था तुमसे। हेलो एक्टिंग बंद करो, सुप्रजा से कितना प्यार करते हो बताओ। हा? क्या कहा, धोखा देने वाला कौन है? मतलब मैं धोखा दे रही हूँ? नाटक मत करो। धोखा देने वाले तुम हो, उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तो पता चल गया। इतनी आसानी से कह दिया, तो फिर तुम्हें सिंपल समझने वाली एक्टिंग क्यों की? क्या हुआ, तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे समझना होगा। मैं तुमसे करती हूँ, तुम्हें समझना होगा। सिंपल, मेरे मैटर में तुम मत आना, तुम्हारे मैटर में मैं नहीं आऊंगी। तुम अपना काम करो। दोबारा गंदी बात करेगी तो? वरना बताओ क्या करोगे तुम? कितना प्यार करता था तुझसे, एक अनाथ लड़की का, उसको मैंने सहारा समझा, लेकिन तुम दोनों मिलकर, छी, याद करता हूं तो घिन आती है। तुम दोनों को मैंने दिल में रखा था, लेकिन तुम लोगों ने दिल पर लात मारा है।
लेकिन तुम इस तरह धोखा दोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा, दिल में आग लगेगी आग। एक बार, सिर्फ एक बार बस बोलो ये सब झूठ है, प्लीज। भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? छी, मैं उसी के साथ रहूंगी, उसी के साथ सोऊंगी, तुम क्या करोगे? हे! काव्या, 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 क्या हो गया? अरे यार, काव्या, 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 एक बार उठो काव्या, प्लीज प्लीज काव्या, प्लीज 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 काव्या, सॉरी 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 काव्या, काव्या काव्या काव्या, मैंने इस मौत का जिम्मेदार वो वीर होगा, उसके चक्कर में ये मरी है। इस मैसेज से खत्म हो जाएगा तू। क्या पता घर पहुंचे भी नहीं, फोन भी नहीं किया। हाँ? 10,000 का चूना लगा ऐसा मैसेज? अरे बाप रे, उसे तो कल शाम को ही साड़ी दिलाई थी, पता नहीं क्या हो रहा है, उसने फोन क्यों स्विच ऑफ किया है? हाँ हाँ वर्मा, वीरू बोलना। मैं ना थोड़ी देर पहले तुझे ड्रॉप करके गया था ना। हाँ हाँ, वहां से थोड़ी दूर जाते ही सर्कल में वो ब्यूटी पार्लर के लिए उतर गई। अब फोन कर रहा हूँ तो स्विच ऑफ आ रहा है यार। कहीं जाकर सुसाइड तो नहीं किया? उसने तुम्हें फोन किया था क्या? अरे नहीं यार, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है यार, तू जल्दी आ जा यार, घर आ जल्दी। मैं समझ गया, फंसा दिया मुझे। अच्छा सुन, तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं खुद शॉपिंग मॉल लेकर आया था ना, तू भी तो था। हाँ हाँ भूल गया था मैं, ठीक है मैं आता हूँ, रुको। बुद्धि किस्मत, अरे कहाँ मर गए? आ जाओ खा लो मुझे, आ रहा हूँ डार्लिंग, आ रहा हूँ। उस कालिया ने घर का सत्यानाश कर दिया। काव्या, काव्या कहाँ हो तुम? अरे वो कुछ भी कहेगा तो तुम चली जाओगी क्या? वर्मा कह रहा था कि वो नहीं आई है, और ये है कि बिल्कुल आवाज ही नहीं दे रही। शे थू है मेरी जिंदगी पर, बहुत देर से देख रहा हूँ इसकी ओवर एक्टिंग, बुलाने पर आवाज देना चाहिए ना। काव्या कहाँ हो तुम? वैसे बताना भूल गया, वर्मा कह रहा था कि तुम आई ही नहीं हो, विश्वास नहीं कर रहा। कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई ये लड़की? अच्छा यहाँ बैठी है। उफ, यहाँ हो क्या? कितनी देर से आवाज दे रहा था मैं। हाँ तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ठीक है टच नहीं करूंगा, लेकिन मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? अगर उसे पता चल गया तो हमारी बैंड बच जाएगी। जो भी है हम दोनों के बीच रहना चाहिए, मैं हूं ना। अरे बिना बात किए जा रही हो क्या? हीरोइन की तरह मटक कर चल रही है, ये क्या कर रही है? सीधे उसके बेडरूम में जा रही है, ठीक है थोड़ा दूर रहने में ही भलाई है, अब क्या करेगी पता नहीं। ये इतने जोर से क्यों चिल्लाया? ए ये तेरी पत्नी है, कोई भूत नहीं है, इससे क्यों डर रहे हो? बाप रे, डोर क्यों बंद कर दिया इसने? ए, अरे इस तरह कोई अपमान करता है क्या किसी का?
पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। चलो दरवाजा खोलो। ए, थोड़ी देर चुप रहोगे क्या? ये बहुत ही ओवर कर रहे हैं, तुम बिल्कुल मत डरना। मैं यहीं पर हूँ। अरे मैं हूँ ना। ए, तुम दोनों के झगड़े में मैं क्या करूँ, मैं चलता हूँ। अरे ये क्यों फिर से फोन कर रही है? हाँ, इसी कमीने ने गलत शराब दिया था। आ रहा हूँ मैं, रुक जा। ए, पूरा केस देना। पहले जो दिया था वो बिल्कुल ही बेकार था, सारा नशा उतार दिया। एक पूरा केस देना भैया। चल अब तू रेडी हो जा, तुझे मजा चखाता हूँ। मेरा फोन रिसीव नहीं करोगे? हाँ कालू को कॉल करती, रुको। ये इस टाइम क्यों फोन कर रही है? हेलो दीदी, कैसी हो दीदी? दीदी क्या है, दीदी क्या है, मार खाएगा मुझसे। सॉरी बहना, बोलो बहना। उस वीरू को फोन कर रही हूँ तो वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ढूंढने में इतना बिजी है क्या? क्यों ढूंढेंगे काव्या दीदी, अब सॉरी बहना आ गई हैं। कितना टाइम हुआ है? कितना टाइम हुआ है? बहुत टाइम हुआ है। उस वीरू को एक बार फोन देना। यहाँ पर नहीं है, मैं बाहर आया हूँ। उस दुकानदार ने मुझे बेकार की दवाई दी थी, उसे वापस करके मैं दूसरी दवाई घर लेकर जा रहा हूँ। कहाँ है वो अभी? घर के पास ही है। काव्या आई है ना, उसे थोड़ा समझा रहा है। ओहो ऐसा है, उसे मैं समझाऊंगी कायदे से। हाँ? उसको तो मैं आज खत्म ही कर दूंगी। क्या है? हाँ? मेरा ही कॉल कट कर रहे हो? फिर से कॉल कर रही है, लगता है आज छोड़ेगी नहीं। शे फिर से कट किया क्या काव्या? वो रुट जाएगा तो तुम भी रुट जाओगी क्या? अरे मुझसे भी रुट जाओगी क्या? उठा ले कमीने, उठा ले। अरे इसकी तो मैं। हाँ हेलो, क्या है? हाँ बोलो ना डार्लिंग। फोन कर रही हूँ तो उठा क्यों नहीं रहे हो? अरे ये मोटी घर आ गई है, पता चलता तो मैं जल्दी घर पहुँच जाता। अरे फोन उठाने का टाइम कहाँ है, हम सड़कों पर ढूंढ रहे हैं। वो वर्मा बेचारा बहुत घबराया हुआ है डार्लिंग। ओहो ऐसा है क्या, अब तो सुबह ही आओगे ना? हाँ तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं सुबह आ जाऊंगा। ओके रखता हूँ, मिस यू जैन। मिस यू है या किस यू है? मिस यू टू यार। मैं उसे मैनेज कर रहा हूँ तो तुम मुझे ही मार रही हो यार। आज तो इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ चोरी तो बड़ी मस्त लग रही है, आजा। खाओगी क्या? चलोगी क्या? अरे आजा, इसका फिगर तो बिल्कुल हीरोइन जैसा है। मैडम आप बात क्यों नहीं कर रही हो? कहो डार्लिंग। पूरा बियर खाली क्यों कर रही हो? पीना मत, वहां इसके भरोसे बहुत सारे लोग प्यासे बैठे हैं। अरे कुछ तो बात करो मैडम। बोलो ना। गाल देखो कितने लाल लाल हैं। अरे हाथ मत लगाओ। होंठ भी बिल्कुल टमाटर जैसे लाल हैं। छूने से मना कर रही हूँ ना। अरे अरे हाथ उठाओ। अरे 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 कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे स्टीयरिंग कौन संभालेगा? अरे अरे हाथ उठाओ ना। इसकी आवाज कैसे बदल गई? रेडी हो ना। ओ तुम्हारे गले में खिचखिच हो रहा है क्या? मेरे पास विक्स की गोली है, लेता हूँ, रुको। विक्स की गोली की क्या जरूरत है डार्लिंग? ये छोरी गड़बड़ लगती है। आओ ना डार्लिंग, मेरा मूड मत खराब करो। क्या काव्या मुझसे बात नहीं करोगी क्या? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे आओ यार, ऐसे हर बात पे झगड़ा करोगे तो कैसे चलेगा? देखो काव्या कितनी नाराज है। अरे काव्या को समझाना छोड़कर ये सब क्या कर रहे हो? क्या हुआ तुझे? थोड़ा साइड में आ यार, यहाँ आ यार। देख अब तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो, बैठ जाओ। अरे बैठ जाना यार, बैठ ना यार। ये कैसी मुसीबत है?
अब क्या होगा? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रही है? इतना क्यों घबरा रहा है यार, जैसे किसी चुड़ैल को देख लिया हो। ए, मेरी पत्नी के मुकाबले में ये कोई बड़ी बात नहीं है। अबे वो भूत है भूतनी के, कैसे बाहर निकलूं मैं? गाड़ी की चाबी तेरे पास है क्या? ए, तू बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, तुझे पता है क्या, तेरी कार कालू बाहर ले गया है। ए, ए, ओवर एक्टिंग करने वाला मैं नहीं हूँ यार, उस कार की डिक्की में लाश है, वो क्यों लेकर गया है यार? अरे तुम दोनों में छोटा सा झगड़ा हुआ है, मैं कॉम्प्रोमाइज कराऊंगा ना, पहले तुम दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाओ। नहीं नहीं नहीं, चलो जाने दो। हाँ हाँ ठीक है, हाथ मत मिलाओ। अरे बाप रे, गाल फट गया मेरा। ए ए ए, यहाँ से चलते हैं भाई, मेरी बात सुनो प्लीज, चलो। ए, तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे छोटा सा झगड़ा हुआ है तुम्हारा, सॉरी बोलकर किस्सा खत्म कर, ये सब क्या कर रहा है? मैं सेट करूंगा ना, मैं हूं ना। अबे तेरे होने से क्या होगा कमीने? ए, वो कालू कार कहाँ लेके गया है? फिर से मारा कुत्ते कमीने को, अच्छा हुआ जो भी हुआ। तेरी जल्दबाजी की वजह से मेरा राइट साइड काम नहीं कर रहा है, पता है? वैसे वो कार क्यों लेकर गया है यार? तू क्या यार बीच में कार 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 कर रहा है? बाप रे ये भड़क गई है भाई। अरे मेरी बात मान यार, यहाँ से चलते हैं। मम्मी, अभी से क्या हुआ? What happened? अरे बेवकूफ गधे, चल जाते हैं यार, मेरी बात सुन यार। अरे बहन को छोड़कर कैसे जा सकते हैं यार? अरे सुन, वो कालू कहाँ है, बुला यार। अरे इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुम रुको बहना, मैं बात कर रहा हूँ ना। ए, आखिर वो कार कहाँ लेके गया है? अरे पहले हमसे बात कर, कार कार मत कर, चलते हैं यार। ये है कि बात नहीं कर रही है, तू है कि कार कार किए जा रहा है, और वो कमीना कालू कहाँ है? कालू, लगता है वो आ गया, जाओ जाकर देखो। अरे कालू, आज तू गया काम से। वैसे काव्या, तुम समझ नहीं रही हो, उससे नाराज होकर घर से चली जाओगी क्या? ए, खोल कमीने। अरे कालू, वीरू कहाँ है? वो अंदर है, सारी चुड़ैल यही आ गई। अरे मेरी पत्नी के साथ मैं रह रहा हूँ ना, काली सी मोटी सी है वो, फिर भी एडजस्ट करके एक दूसरे के साथ रह रहे हैं ना हम लोग। उसे देखा है, पागल खाने से भागी हुई पागल लगती है वो, काली भैंस कहीं की, फिर भी मैं उसे डार्लिंग कहता हूँ, है ना? क्या भाई तुझे क्या हुआ? वाइफ है यार। वाइफ क्या, देखो यहाँ है ना। वाइफ कहा मैंने, मेरी वाइफ कहा मैंने? तो फिर पीछे तो देखो। क्यों रे, मैं काली भैंस हूँ? अरे रे, रुको रुको रुको, अरे ऐसा नहीं कहा डार्लिंग, अरे रुको, मेरी इतनी रात बात सुनो, क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात तो सुन लो, उठ उठ। क्यों रे, मैं काली हूँ? मैं वैसा कह नहीं सकता, मेरी बात तो सुनो। तू यहाँ इसके साथ नाच रहा है और मैं घर पे तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे नहीं, मैं मोटी हूँ, तेरे जैसे नहीं, को मैं मिल गई वही बड़ी बात है। नहीं मेरी बात सुनो डार्लिंग, तो तुझे मैं तेरी औकात दिखा के रहूँगी। अरे ये क्या कर रही हो? अरे मेरी छाती पे तंडव करना बंद कर दो। अरे रुको, दांतों से मार मार के तुम्हारा पैर बहुत भारी है। अरे ये क्या कर रही हो? ये जैसे कमीने पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही है। अरे रुको, ए यहाँ इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। नहीं तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया, तूने मुझे मारा। नहीं नहीं रुको, ये क्या, प्लीज डार्लिंग, नहीं डार्लिंग कंट्रोल। मेरे पति ने मुझे मारा, वो भी इसके सामने, मेरी इज्जत। बाप रे, मैं हाथ जोड़ता हूँ। इसको इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मेरे पति ने मुझे मारा, मुझे मारा, मुझे मारा। क्यों रे, मुझ पे हाथ उठाता है? हाथ क्यों मुझ पर उठा रही हो? ये क्या कर रही हो? क्यों झूठे इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? तुम ही मुझे मार रही हो, मैंने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। चलो घर चलते हैं। ऐसा है, ऐसा है क्या? फिर से मुझे मारा, ये क्या हुआ? तुझे तो मैं कंट्रोल कंट्रोल, मुझे मारते हो? नहीं मैंने नहीं मारा। हाँ? देखो अच्छा? मैंने हाथ नहीं उठाया। तुझे तो मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगी कुत्ते। अरे मैं नहीं मार रहा हूँ, मेरी बात को समझो। नहीं
कमीने, आज नहीं बचेगा तुम मुझसे। मैं सब के नहीं बचूंगा, चलो घर चलते हैं यार। अबे अंडा टूटा है क्या? मैंने नहीं मारा, देखो मैंने हाथ नहीं उठाया। बोल, टाइम से घर आएगा ना? आएगा ना? अभी दिखाते हैं तुझे। क्या दिखा रहे हो? मत दिखा। लात उठाकर मारी तो सर के दो टुकड़े हो जाएंगे, बाकी प्रसाद घर पे। अब तक मारने से मन नहीं भरा, अब क्या घर जाकर मारोगी? चलो ये चुड़ैल तो गई। ए भाई, ए भाई, सुनना। चली गई क्या वो? हाँ चली गई वो। मैं भी जा रहा हूँ, तुझे जो करना है वो कर। ए, रुक जा, मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ। अरे बाप रे, देखो काव्या, ये लोग ऐसे ही कहते हैं, दिल पर मत लेना, मैं हूं ना। अरे ये यहाँ कैसे आ गई? ये तो आत्मा है यार, आत्मा। आत्मा तो क्या अब तक हम भूत के साथ है? यही भूत है। अरे ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अबे तूने बोलने का मौका कब दिया? तेरी तो बड़ा प्रोफेसर बनके मुझे भाषण दे रहा था। अरे बापरे, बापरे, जब मेरा नसीब ही पांडु है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब हमें क्या करना होगा? और क्या करेंगे, होशियारी से मैनेज करके बॉडी को ठिकाने लगाएंगे। इसे कुछ बताया है क्या? कहाँ से बताएगी, जब से आई है चुपचाप बैठी है। जब मरी है तो क्या बताएगी? हाँ, अब इसकी बॉडी कहाँ है? डिक्की, डिक्की, उस कार में। धत तेरे की, उस कार की डिक्की में है क्या? इसीलिए डिक्की चिक्की कर रहा था। तो अब ये हमारे साथ क्या करने वाली है? यार क्या हुआ? वो हिल रही है। क्या हिल रही है? कार। कहाँ पर? सामने। अरे ये तो बहुत गड़बड़ लग रही है। जानू। अरे अरे छोड़ दो, मैं कह रही हूँ आओ ना, मजे करते हैं। अरे नहीं, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो जानू? आ रही हूँ, रुको जानू, आ रही हूँ। जानू मैं तो, अरे रुको जानू, मोदी गाने लायक नहीं रहा। क्या हुआ, तेरी पावर इतनी जल्दी खत्म हो गई? जानू, जानू आओ ना, मजे करते हैं। तो इस दी सेंटर लेडी, ये डिक्की में कैसे आ गई? इस लड़की का खून कर दिया तुमने, इसको उसे मेरा कोई लेने देना नहीं है, मैं चली अपने घर पे। अरे कहाँ जा रही हो? ये तो यहाँ पर है, लेकिन वहां पर कौन है? भूत? क्या? अरे बाप रे, वर्मा को पता नहीं है क्या? लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ सर, मुझे भी वही लग रहा है। चलो जाकर देखते हैं। चलिए सर। ये लोग तो यार कहीं पर भी लग जाते हैं। सही कहा सर। स्वामी ये तो अकेले खड़ा है, लड़की भी होगी क्या? जाएंगे तो पता चलेगा सर। ए काम हो गया, ये भूत की तरह रोड पर क्यों खड़ा है? अबे बोल क्यों नहीं रहा, ये पैंट नीचे उतार के क्यों खड़ा है? हाँ अबे कमीने, चल पुलिस स्टेशन। तो कुछ नहीं किया सर, करके सर छोड़ दीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं इसे लेकर आता हूँ। ठीक है सर, गाड़ी में वो कैसे है मुझे नहीं पता सर, सर सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मर्डर करके भागना चाहता है तू? मेरा यकीन कीजिए सर, मारिए मत सर, चल रहा हूँ सर। ये इस तरह से देख क्यों रही है? दिखने में तो खूबसूरत लगती है लेकिन बहुत ही डेंजर है। बाप रे, ये तो जा रही है। अरे मेरे फुटे करम। जब किस्मत खराब होती है तो ऐसे ही होता है। ये उस तरफ कहाँ जा रही है? अरे क्यों तूने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया? मैंने क्या किया? अब देखो वो हमारी जान की दुश्मन बनी है। बाप रे, यही आ रही है यार, पास आ रही है यार। अरे ये क्या है, वो मेरे पास ही आ रही है, उसे किसी भी तरह समझा रहा है। तू ही बात कर रहा था ना, समझा। तू ही समझ, अब उससे तू ही बात कर, मैं नहीं करूंगा। अरे भूत है, पता चलने के बाद जुबान से बात नहीं निकल रही है मेरे। एक सुन, एक बार पुकार यार, शायद बात करेगी, वैसे तुम्हारी बात वो सुनती है हमेशा। काव्या बोल के तो देख, बात तो करके देख। काव्या
अरे बाप रे, बाप रे, मम्मी, 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 अरे ये तो वापस मेरे पास ही आ रही है, मुझे डर लग रहा। ए, तूने पैना को क्यों मारा? हाँ, अरे, समझ गया मैं। ए, पत्नी को क्यों मारा? अरे अरे मैंने जानबूझकर नहीं मारा यार, ऐसे गुस्से में मार दिया, वो दीवार से टकरा कर मर गई। मरने जैसा क्यों मारा यार, आखिर इसमें इसकी क्या गलती है? तुम शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम्हारी मौत का कारण जानना है ना। कारण तो तुम दोनों हो, पता नहीं तुम्हें। सॉरी काव्य जी, आपने क्यों मारा? मुझे क्या पता होगा यार, तुम दोनों के बीच क्या हो रहा है मैं थोड़ी चेक करता हूँ। अब पड़ेगी। ए, इसे कुछ भी करके समझाना, ये बहुत मार रही है यार। उससे ही पूछ के क्या हुआ है? क्यों काव्य, क्यों मारा इसने तुम्हें? अबे ए गधे, तेरे वजह से हुआ है सब, नाटक मत कर। क्या मैंने क्या किया यार? मेरी पत्नी से मार खाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, दिमाग खराब है क्या तेरा? हाँ यार, मेरा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए कि तुम दोनों का अफेयर देखते हुए भी मैं अंधा हो गया था। तुम दोनों की जल्दी हरकतों को देखकर जान से मारने का मन कर रहा है मेरा। क्या यार, कैसी बातें कर रहा है तू? काव्या मेरी बहन जैसी है, उससे कभी मिसबिहेव किया है मैंने? पूछो। तुम रुको ना, बीच में क्यों मारती जा रही हो? ए, कह रही है सब तेरी तो। छे, बदबू आ रही तुझसे, बहुत ज्यादा पिया है ना कमीने? शराब पीकर लड़कियों के मर्डर करता है। सर मैं कैसे मर्डर करूंगा सर, वो लड़की इस डिग्गी में कैसे आई मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, ये लड़की तो उस घर में है ना सर। अबे नाटक कर रहा है तू कमीने, बॉडी यहाँ है तो लड़की घर पे कैसे होगी? सर माँ कसम सर, तू पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है क्या बे? लड़की को कुछ देर पहले हमारा वीरू काउंसलिंग दे रहा था सर। हैं? मतलब समझा रहा था सर। ये वीरू कहाँ से आया बीच में? मेरा फ्रेंड है सर। फ्रेंड है तो वर्मा की बीवी के साथ बैठ कर जाएगा वो? मतलब वो दोनों भी फ्रेंड्स है सर। फ्रेंड्स हैं तो क्या कुछ भी करेंगे कहीं पर? मतलब सर आप प्रॉमिस करेंगे तो मैं एक राज की बात बताऊंगा आपको। अबे चल जल्दी बता। लोग इसीलिए कहते हैं कि पुलिस वालों को कभी सच नहीं बताना चाहिए। ए, शराब पीकर ये किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? सर बस 10 मिनट का टाइम दीजिए सर, दोनों का रोमांस लाइव दिखाऊंगा आपको। धोखा देने की सोचना भी मत। सच में सर, सिर्फ 10 मिनट का टाइम दीजिए सर, प्लीज सर। एक बात याद रखना, नहीं दिखाया ना तो नंगा भगाऊंगा। सर उस देर पहले उसने भी कपड़े खोले थे सर, प्लीज सर भरोसा कीजिए सर, बस 10 मिनट रुकिए, आपको लाइव दिखाऊंगा। ए, धोखा दिया तूने। अरे किसने धोखा दिया है? अरे तेरा उसका अफेयर चलते हुए मैंने देखा है। देखा है तो क्या जान से मार देगा? ए, असल में इसे नहीं तुझे मारना चाहिए था, जान से मार दूंगा। मारने से पहले सच या झूठ मुझे पूछना चाहिए था। क्या पूछूं मैं, मुझे पता होता तब ना पता चलते ही मार देना चाहिए था। असल में इसे नहीं तुझे टुकड़े टुकड़े करके मार दूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। तू खत्म करेगा तो मैं चुप रहूंगा? चुप नहीं रहेगा तो और क्या करेगा? मुझे मार दिया तुमने। मैं नहीं यार, मैं नहीं, मैंने नहीं किया। तो फिर ये स्लो मोशन में क्यों घूम रही है? काव्या मुझे इसकी जरूरत है यार। जरूरत है तो जान से मारोगी क्या इसकी? काव्या कहाँ है? फिर कहाँ है काव्या? वीरू, अरे मैं नहीं, मैं काव्या, अरे मैंने नहीं यार, मैंने जानबूझकर नहीं मारा यार, क्या करूं मैं? वीरू कहाँ है? काव्या वीरू, अरे यार वीरू मैंने कुछ नहीं किया यार, वीरू 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 फिर से मुझे अनाथ बना दिया यार। वीरू ए लफंडर, अगर अंदर लड़की नहीं मिली ना तो तेरी वाट लगा दूंगा, चल जल्दी अंदर। क्या सर हमेशा जक करते हो, चलो दिखाता हूँ आपको। अबे सीधे चलना, चल बेल बजा।
फ्रेंडली पुलिस फ्रेंडली पुलिस फ्रेंडली पुलिस कहकर पूरा गांव में लिखवाते हैं। फ्रेंडली से बात करो तो मारते हैं। अबे क्या बड़बड़ा रहा है तू? डोर खुला हुआ है सर। वेलकम सर। अबे नाटक करता है, नाटक करता है सर। मैं सच बता रहा हूँ सर। चल सच बता। कार में जो है वो नकली है सर। यहाँ पर असली है। देख लीजिए। एक और मर्डर। वीरू वीरू क्या भाई, इसको भी मार दिया क्या सर? मैंने कहा था ना सर, इन दोनों का राज जानकर इसने इसे मार दिया है। आप कितना भी गुस्सा करो सर, मैं सच कह रहा हूँ। मर्डर बहुत ही वायलेंटली हुआ है, रॉड का इस्तेमाल किया है ना। ओहो ये तो बहुत ही खतरनाक है यार, लेकिन जिंदा नहीं है, क्या करें। इतनी जल्दी जाने की क्या जल्दी थी भाई? देखकर लगता है मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा, और कोई चांस ही नहीं है। मेरे हिसाब से सेक्शन 302 के तहत अरेस्ट करना ही सही होगा सर। मुझे सेक्शन बताएगा तू? हाँ मर्डर करने वाले को छोड़कर मुझे क्यों मारे हो सर? सर आज तक बीवी के अलावा किसी से नहीं डरा, पहली बार भूत से डर गया मैं आज। गुस्से में आकर कोई मर्डर करता है? जानबूझकर नहीं मारा सर, गुस्से में धक्का दिया, दीवार से टकरा गई सर। पत्नियां हमेशा परेशान करती हैं, और मरने के बाद तो और भी ज्यादा परेशान करती हैं ये लोग। तुम इस बात को भूल गए थे क्या? मुझे मारकर देखो कैसे बैठी है। ऐसे कैसे मार दिया तूने? मुझे इसकी जरूरत है यार। मरने के बाद कोई रोमांस करता है क्या? तेरी तो सर भूत के ऊपर कैसे केस होगा सर? सर अब मेरा क्या होगा सर? मारने से पहले नहीं सोचा था? मैंने कहा मारा सर। अरे मैं फ्री का शराब पीने के चक्कर में फंस गया यार। अरे वीरू मैंने कौन सा गुनाह किया था? बियर पीने के लिए आया था, ये भी कोई गुनाह है क्या? सॉरी बहना, तुम तो इसे समझाओ ना। वो मुझे धोखा दे रही थी सर। धोखा देने पर कोई जान लेता है क्या? इसकी तो मेरे पीछे भूत बैठे हैं और मैं इनका ड्राइवर बनकर बैठा हूँ। मेरी तो नसीब ही खराब है। तुमने मारा तो मारा, बीच में मुझे क्यों फंसा दिया यार? ए, मरने के बाद भी नहीं छोड़ोगी क्या? बेमतलब फंस गया हूँ मैं। प्लीज सर मेरी बात मानिए सर। देख भाई कुछ नहीं कर सकता मैं। आत्मा को परेशान मत करो। अरे छोड़ो यार, तेरे आगे हाथ छोड़ता हूँ। मम्मी कसम खाता हूँ आज से कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। सर अब वो दोनों हमें क्या करेंगे सर? अरे बार बार उनका नाम मत लो, डर लगता है यार, हालत खराब हो रही है। सर मेरी जान खतरे में सर, मुझे बचा लीजिए प्लीज सर। अरे मुझे कौन बचाएगा? मुझे तुम चाहिए यार। शे, मरने के बाद भी जान खा रही है। दब तरीके। किस्मत ही फूटी है मेरी। तुम्हारे ही पड़ोस में तो रहता हूँ, और वो भी मेरे पुलिस स्टेशन के अंडर है। लाइफ में फर्स्ट टाइम फोकट की बियर पीने की वजह से मर्डर केस में फंसा कर पुलिस स्टेशन ले आने वालों को देख रहा हूँ। आगे पुलिस है तो पीछे भूत है। सर पुलिस स्टेशन आ गया। हाँ तो मैं क्या करूँ? आप कुछ मत कीजिए, ऑलरेडी हम पुलिस स्टेशन में आ गए हैं, अब मरना कन्फर्म है। अरे ऐसी बातें करके डराओ मत, ये मेरा पुलिस स्टेशन है। अरे पास आओ यार, मिलकर चलते हैं अंदर। सर अंदर कुछ नहीं होगा ना सर, हम सेफ तो रहेंगे ना। कालू को भी बुलाओ ना सर। ए कालू अलग से बुलाऊं क्या तुझे? आप चलिए सर, मैं गाड़ी साइड में लगा कर आता हूँ। सर मैंने कहा था ना वो लोग आएंगे, वो ऑलरेडी आपकी सीट पर बैठे हैं, और दूसरा यही कहीं होगा, वहां देखिए। अरे कालू